हेलो हेलो एवरीवन गाइस कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू न्यू इंडियन माय नेम प्रशांत कैसे हैं आप सब आज लेट नाइट सेशन 9:30 और ये बहुत ही हाई डिमांड के बाद इस टॉपिक को शुरू किया जा रहा है और तुम सबको पता ही है कि लॉग टेबल लॉन्ग टेबल एक ऐसी चीज है जो बोर्ड एग्जाम में प्रोवाइड की जाती है और बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसान बना दिया जाता है इसके थ्रू कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो वो एकदम चिंदी बन जाएगा एकदम आसान बन जाएगा और इसकी मदद से तुम लोग कोई भी बड़ा सा बड़ा डिवीजन बड़ा से बड़ा मल्टीप्लीकेशन एकदम चुटकी बजाते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो यार मैंने सोचा कि चलो क्यों ना यार शुरू किया जाए आज मुझे वैसे भी टाइम तो इस टाइम पे नहीं मिला क्यों नहीं मिला भाई इसमें क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अपनी चल रही है नवरात्रि और इसमें थोड़ा समय हो गया बिजी है ना तो फाइनली कोई ना मैंने सोचा कि चलो यार आज नाइट में एक सेशन ले लेते हैं और बाकी चीजें थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि फ्लो चार्ट वगैरह तो सब कुछ आई गया अब एक चीज बता दूं कि हो सकता है कि ये वीडियो में एक घंटे से डेढ़ घंटे लग जाए तो देखो यार एक सिंपल सी बात बताता हूं जिस इंसान को जीवन में आगे बढ़ना होता है इंसान बहुत मेहनत करता है और जिसे सच में ट्वेल्थ में या एमएसटी सी एंट्रेंस एग्जाम में या जेई में नीट में कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर उसकी न्यूमेरिकल में पकड़ बनानी है अगर उस बंदे को स्ट्रांग बनना है कैलकुलेशन के थ्रू और बड़े बड़े न्यूमेरिकल एमसीक्यूज और को सॉल्व करने के लिए तो वो ट्वेल्थ का बंदा अभी भी भी रात में भी पढ़ाई कर रहा होता है ठीक है अभी कुछ बच्चे होते हैं जो दस बजे सो जाते हैं गांव खेड़े में जाओगे और कुछ बच्चे वही होते हैं जो बारह बारह एक एक बजे रात तक पढ़ाई करते हैं तो ये एक सच्चाई होती है जिस इंसान को जीवन में कुछ अचीव करना होता है वो कुछ ना कुछ करने के लिए एकदम तड़पते रहता है कि मुझे ये अचीव करना है मुझे पाना है ऐसा वैसा ये सब तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा नाइन थर्टी को शाम को लाइव लेक्चर ले रहा हूं और चलो अब शुरू करते हैं तुम कभी भी देख सकते हो कोई इशू की बात नहीं है तुम सब जानते हो कि मेरा नाम प्रशांत है और आज किस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे तुम्हारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांडिंग चीज डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद स्क्वायर रूट आप सबको यहां पे दिख रहा होगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये तीनों चारों टॉपिक को हम लोग डिटेल में कवर कर रहे होंगे भाई देखो यार लॉन्ग टेबल का वीडियो कोई भी बना के दिखा सकता है बट बना क्यों नहीं पाता क्योंकि वो लॉग को दिखा पाना बहुत बड़ी बात होती है और लॉग के जो टेबल होते हैं ना वो दिखाई नहीं देता यार ठीक है इसके लिए वीडियो बनाने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है इसलिए मैं आज यहाँ पे इस टैब का इस्तेमाल करके क्रिएट कर रहा हूं ठीक है चलो तो अब शुरू करें हाँ केमिस्ट्री का जो फ्लो चार्ट है वो बन गया है मैंने इंस्टाग्राम में इन्फॉर्म भी किया था कि तुम्हारा उसकी शुरुआत हो चुकी है और बस अभी मतलब कल या परसों तक तुम्हें उसका पहला चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव का फ्लो चार्ट मिल जाएगा फिर ऐसे ही सेकेंड ग्यारहवें चैप्टर का मिल जाएगा डोंट वरी कोई भी बच्चा टेंशन मतलब मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हूं और कर भी रहा हूं सब कुछ चीजें लाइन सी और एक थोड़ी सी सैड न्यूज बता दूं कि बुरहान सर की फैमिली में किसी की डेथ हो गई जिस वजह से फिजिक्स के सेशन थोड़े से डाउन हुए हैं ठीक है बाकी होना सब शुरू हो जाएगा तो चलो फाइनली शुरू करते हैं यार तुम सभी लोग सेशन को सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दो और सभी अपने दोस्तों को कहो कि प्रशांत भैया लेक्चर शुरू कर चुके हैं लॉग टेबल का कैसे देखना है आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम एकदम डेंजरस वाले एकदम फुल एकदम जो होता है ना स्ट्रेंथ आ जाएगी तुम्हारे अंदर कुछ अचीव करने की मतलब तुम कहोगे आज का लॉग टेबल बायोलॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे धमाकेदार तरीके से मजा आने वाला है तुम ना जब देखो अभी तुम जीरो बन के इस लेक्चर में घुस रहे हो जब इस लेक्चर से तुम बाहर निकलोगे तुम खुद से पूछना कि देख आज से एक डेढ़ घंटे पहले तू कैसा था और अब एक डेढ़ घंटे बाद तेरे दिमाग में क्या आया ये तुम्हें सीखने मिलेगा अभी तुमको कुछ नहीं आता है जब तुम इस वीडियो को देखने के बाद निकलोगे ना बंद करोगे ना ये वीडियो तब तुम्हें एहसास होगा कि यार अब तुम कुछ बन चुके हो तुम्हारे लाइफ में कुछ वैल्यू एड हुई है वो तुम्हें खुद एहसास होगा बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा के दिखाऊंगा डोंट वरी Uh, कोई तो कह रहा है कि न्यूमेरिकल सोल्व कराओगे सब बड़े बड़े कैलकुलेशन भी करवाऊंगा क्यों टेंशन ले रहे हो बस फर्क इतना है कि तुम लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहना क्योंकि अगर थोड़ा सा स्टेप भी अगर तुम चूक गए तो फिर तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा ठीक है फिर तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे और जान के मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन में सभी की गलतियां हो ही जाती हैं ठीक है बट मेथड में गलती नहीं होगी और कैलकुलेशन में अगर गलतियां होंगी तुम्हारे सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा ये सबसे बड़ी बात होने वाली है रूट सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब बताऊंगा बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन कैसे चुटकी बजाते हैं सॉल्व कर लोगे देखो वो कहते हैं ना यार कि जीवन में जब हम कोई शुरुआत करते हैं तो वो बहुत ही हार्ड होता है मतलब देखो जब तुम लोग ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं जब इस वीडियो को एंड में तुम निकलोगे तुम विद इन थर्टी से फोर्टी सेकेंड के अंदर किसी भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन को चुटकी बजाते हुए आंसर निकाल पाओगे लेकिन उस चालीस सेकेंड में सॉल्व कर पाने के लिए जो तुम्हारे अंदर एबिलिटी चाहिए उसके लिए तुम्हें अभी एक से घंटे मेहनत करनी पड़ेगी वो एक से डेढ़ घंटे की प्रैक्टिस तब जाके तुम 30 से 40 सेकंड में उस क्वेश्चन को लॉक का इस्तेमाल करके तुम सॉल्व कर पाओगे ये मैं तुम्हें अभी कह दे रहा हूं और जिस बच्चे को फोकस करके नहीं पढ़ना अगर तुमने दो मिनट भी वीडियो स्किप कर दिया फिर तुम्हें लॉक टेबल नहीं समझेगा क्योंकि इसका जो स्टेप इस है वो बहुत बड़े हैं और एक बार अगर वो स्टेप की प्रैक्टिस तुम्हें हो गई तब तो फिर समझो कि धमाका है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता सॉल्व करने से ठीक है इस बात को मैं पहले बता देता हूं बाद में मुझे यह मत कहना कि भैया ऐसा हो गया ये हो गया वो हो गया थोड़ा बड़ा स्टेप है मत कहना बाद में मुझे मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान देना अब तुम्हारे कॉलेज में ट्यूशन में स्कूल में हर जगह सिखाए होंगे मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं क्या क्या मैं सीधा डायरेक्ट सिखाने वाला हूं किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे लॉक टेबल से सॉल्व करना है वो तुम्हारा प्रशांत भाई तुम्हें बताएगा और हम एक से डेढ़ घंटे बैठ के यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन डिविजन हम यहीं पर बैठ के प्रैक्टिस करने वाले हैं यहीं पर बैठ के हम प्रैक्टिस करेंगे तुम्हारे सामने ठीक है इस बात को ध्यान देना अच्छे से चलो अब हम शुरू करें गाइज अगर आपको नोट चाहिए रहेगी तो टेलीग्राम में लिंक है नया टेलीग्राम है इस साल के लिए उसमें ज्वाइन करो उसी लिंक में जाकर के और आप सबको नोट्स मिल जाएगी

देखो चलो अब हम शुरुआत करेंगे ठीक है आप सभी लोगों को प्रॉपर चीजें दिख रही होंगी सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है अच्छे से किसी को कोई प्रॉब्लम नॉइज में आवाज में कोई भी समस्या नहीं होगी चलो अब शुरू करते हैं ठीक है देखो भाई तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉक टेबल और कैसे क्या क्या इसको सॉल्व करना है देखो अब मैं शुरुआत करने से पहले तुम सबको एक बात बताऊंगा चीजें बहुत ही आसान है टेंशन की कोई बात नहीं है चलो शुरू करते हैं अब जरा सभी लोग थोड़ा सा फोकस करके सीखेंगे ठीक है जरा सा सभी लोग फोकस करके सीखेंगे ठीक है ध्यान देना अच्छे से देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि जब भी तुम कभी भी लाइफ में कैलकुलेशन करते हो जब भी कभी भी तुम लाइफ में कैलकुलेशन करते हो तो वो जो कैलकुलेशन होते हैं वो किस तरह के होते हैं अब जैसे कि अगर सपोज मान लो रूट में ऐसे कोई भी क्वेश्चन मान लो तुम्हारे सामने आ गया मैं यहां पर थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूं और मान लो ऐसा तुम्हें दिख रहा होगा थोड़ा सा और मोटा लिख देता हूं तुमको नहीं दिखेगा अच्छे से चलो हाँ देखो मान लो ऐसे रूट में तुम्हारे सामने और जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री और यहां पे क्यूब दे दिया अब बोला चल बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता मैंने बोल दिया चल बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता है किसी में इतना हिम्मत डायरेक्टली कोई सॉल्व कर पाए इसका आंसर कोई मुझे डायरेक्टली दे पाएगा किसी बच्चे में इतनी हिम्मत है डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए और तुम सबने देखा होगा कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स में हर न्यूमेरिकल में ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर हमेशा पूछा जाता है जब कोई भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन सामने आते हैं और मैं कसम से कहता हूं तुम इसी क्वेश्चन को भी लास्ट तक देख के रखो मैं इसी क्वेश्चन का आंसर एट द एंड निकाल के दिखाऊंगा रैंडम कोई भी नंबर लिखा है अभी इसको याद रखो अभी तुम एबल नहीं हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बट एक बात ध्यान रखना मेरी जान जब तुम इस वीडियो के इंड में निकलोगे मैं इस क्वेश्चन को भी यही रोक के देता हूं और इस क्वेश्चन को इंड में सोल्व करके तुम्हें दिखाऊंगा उसके पहले अभी हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स की सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे यही क्वेश्चन होगा सबसे इंड क्वेश्चन हम यही वाला सोल्व करेंगे बट उसके पहले मैं तुम्हें कितने ऊपर तक लेके जाऊंगा उसके बाद हम देखने वाले हैं ठीक है चलो अब मैं इसको यही छोड़ देता हूं इस क्वेश्चन को और मैं शुरुआत करता हूं चलो शुरू करते हैं अब ठीक है ध्यान देना भाई एक बात बताता हूं जीवन में कभी भी लॉग और उसकी पत्नी एंटी लॉग मतलब लॉग अंकल है और उसकी पत्नी आंटी है एंटी लॉग तो इन दोनों की मदद से हम दुनिया के किसी भी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं चलो ध्यान देना सब लोग ईयरफोन लगा लो और अपने बाजू में एक नोटबुक रख लो और लॉक टेबल अपने बाजू में ओपन कर लो ठीक है क्योंकि मैं देखना भी सिखाऊंगा कैसे तुम्हें देखना है लॉक टेबल को और तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होगा टेंशन क्यों ना कोई पर चला इकड़े बघुया यहां देखो अभी सभी लोग तो एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly, अब सब लोग चरा फोकस करना अच्छे से तो ये लॉग और एंटी लॉग देखा जाता है लॉग जो होता है वो एंटी लॉग का एग्जैक्टली exactly अपोजिट होता है

हमें देखनी पड़ेगी कुछ लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे तुमने बचपन में सीखा था चलो तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जो लॉग होता है यह ऐसे एल ओ जी इसको ऐसा लिख करके दिखाया जाता है जो लॉग होता है ऐसे एल ओ जी ऐसे लिख करके दिखाया जाता है ठीक है पहली बात दूसरी बात अब चलो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं अगर इसके बाजू में यहां पर अगर कुछ भी नहीं ध्यान देना जरा अच्छे से मैं जो कह रहा हूं यहां पर सब बच्चे थोड़ा फोकस करेंगे ठीक है ध्यान दो एक थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूं हाँ चलो देखो अभी यहां पे कुछ भी नहीं होता इसे हम बेस कहते हैं और जो चीज यहां लिखी जाती है उसे हम उस लॉग की वैल्यू कहते हैं इस बात को आप थोड़ा याद रख लो पहली बात चलो अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कुछ लिखा लॉग 10 और यहां पे x लिख दिया तो इसका मतलब x मेरी वैल्यू है लॉग की और जो 10 है वो उसका बेस है ठीक है इस बात को आप सब याद रखो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही मैटर करने वाली हैं आगे चल के पहली बात समझ गई याद रखना तभी तुम जाके इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे ध्यान से समझते जाओ ये कहीं लिख लो अच्छे से तुम्हें आगे बहुत ही हेल्प मिलेगी अब जरा ध्यान देना मैं बिल्कुल भी चैट में ध्यान नहीं देने वाला और मैं जानता हूं कि जो बच्चे सीरियस है वही बच्चे एट द एंड तक देखेंगे ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अब मैं कुछ प्रॉपर्टियां बताऊंगा जो शायद तुम्हें पता है पहले से ही तो चलो ध्यान देते हैं फटाफट -फड़ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां जिनकी मदद से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व होगा ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मान लो लॉग है और एम और इन टू एन दे दिया तो इसका जो आंसर आता है वो लॉग एम और प्लस और लॉग एन हो जाता है जितना जरूरत है उतना ही बताऊंगा जिसकी जरूरत नहीं है उसको पढ़ के कोई मतलब नहीं है चलो पहली प्रॉपर्टी सबको याद रख लेना है दूसरी प्रॉपर्टी तभी जाके तुम बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसान बना पाओगे इसे याद कर लो रे इंसान वही होता है जब टीचर कोई पढ़ाए उस चीज को वही याद कर ले बाद में याद नहीं करना है यहीं पर याद कर लो तुरंत चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा अगर मान लो लॉग एम अपॉन एन है तो इसका आंसर आता है लॉग एम माइनस लॉग एन इतना प्रॉपर्टी आपको दो प्रॉपर्टी याद हो गई मैं चाहूं तो पूरे लॉग कैलकुलेशन को इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के दम पे आपको पूरा कैलकुलेशन सिखा सकता हूं उसके आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है सिर्फ इसके दम पे जितने भी कैलकुलेशन है तुम सारे के सारे डिवीज़न और मल्टीप्लीकेशन इसके दम पे कर सकते हो सिर्फ ये दो फॉर्मूला अगर कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो लॉग देने के बाद वो हमारी प्लस हो जाती है अगर कोई भी चीज डिवीजन में है तो वो लॉग देने के बाद माइनस हो जाती है इसके दम पे तुम पूरे के पूरे कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो इस बात को ध्यान रखो बट फिर भी जरूरत होती है चीजों की यार है ना उसे मैं थोड़ी फिर भी एक्स्ट्रा चीजें आपको बताऊंगा अब मैं आगे आपको बताता हूं जरा यहां पे ध्यान देना अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपका फायदा होगा तो अगर मान लो लॉग टू द बेस टेन और टेन है तो इसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी कभी भी दोनों अगर सेम टू सेम रहेंगे तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी आगे बढ़ते हैं अगर मान लो एक और चीज मैं आपको बताता हूं अगर मान लो कोई भी कोई भी आपके सामने एक कुछ एक्स्ट्रा चलो तीन ही चीज अब याद रखो फिलहाल के लिए अब कुछ एक्स्ट्रा नोट यहां पे लिख लेते हैं एक्स्ट्रा नोट लिख लेते हैं ठीक है एक्स्ट्रा नोट कुछ लिख लेते हैं जैसे कि फॉर्म तुम्हें पता है आठवीं में सीखा था क्योंकि उस चीज को भी अब मुझे बताना तो पड़ेगा ना मेरी जान। चलो यहाँ जरा सभी लोग ध्यान दो अच्छे से फटाफट सभी लोग यहाँ ध्यान दो ठीक है हाँ हाँ लोफी एक बेसिक ठीक है ठीक है सर प्लीज टोटल फिजिक्स और मैथ्स का बेसिक वीडियो लाओ हाँ ठीक है मैं लाऊंगा पहले इसको ध्यान दो भाई ये सबसे बेसिक है लॉक ही सबसे बेसिक है इसको अगर तुमने सिद्धत से नहीं देखा तो फिर मतलब क्या है तुम्हारा ठीक है सर सिक्स डिजिट का लॉग कैसे निकालते हैं सिक्स डिजिट का लॉग नहीं निकलता चलो हाँ निकाल के दिखाऊंगा बाद में उसको राउंड ऑफ करके निकालना पड़ता है सामने ए रेस टू एम है और ये है ए रेस टू एन तो ये हो जाएगा ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू माइनस एन फॉर एग्जाम्पल के लिए तुमने अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे टेन रेस टू थ्री अपॉन टेन रेस टू सिक्स है तो ये कैसे हो जाएगा टेन रेस टू थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन रेस टू माइनस सिक्स ऊपर जाके माइनस हो जाता है अगर नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा चलो आगे बात करते हैं यहां तक, तक तुम्हें समझा होगा आगे बात करते हैं अगर मान लो ये पहला था दूसरा बेस सेम की बात करता हूं अगर मान लो बेस सेम है जैसे कि टू टू और A to N है देखो दोनों का बेस सेम है ये ए बेस कहलाता है और एम और एन पावर है यहां देखो अच्छे से तो ए पावर एम प्लस एन हो जाएगा क्या हो जाएगा ए पावर एम प्लस एन कहलाएगा इस चीज को आप कहीं लिख लो ये बहुत ही बेसिक फंडा है क्योंकि ये हमें काम आने वाला है हमें टेन को पावर को जो टेन की पावर होती है उसे संभालने में यह हमारी हेल्प करेगा चलो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सिखाने से पहले अब मैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जिसे कहते हैं पॉइंट शिफ्टिंग बेटा एक बात बता दूं कि अभी अभी तीन दिन पहले मैंने पॉइंट शिफ्टिंग की वीडियो इसी चैनल के अंदर अपलोड की लॉक टेबल का फुल कैलकुलेशन सीखना है अगर तो पॉइंट शिफ्टिंग तुम्हें सीखनी पड़ेगी जर तुम्हारा पॉइंट शिफ्टिंग ये इतना है पर तुम्ही काय पण करू शकत नाही चला इक, इकडे बघूया मला जास्त मराठी बोलायला येत नाही पर मी थोडा थोडा ट्राय करतो चला चला ये चली ठीक है यहां देखो अभी तो पॉइंट शिफ्टिंग के लिए अब मैं आपको एक बढ़िया मस्त तरीका बताऊंगा एक ट्रिक बताऊंगा जो कि मैंने उसी वीडियो में भी बताया था आप लोग को चलो अब यहां सब लोग ध्यान दो अच्छे से सब लोग आप ध्यान देते जा रहे हो ना पहले देखो हमने देखा लॉक क्या है बेस और वैल्यू कैसे होती है लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट छोटे मोटे फॉर्मूले जिसका हम इस्तेमाल करें आगे चल के फिर उसके बाद एक्स्ट्रा नोट्स की बात कर लिया अब हम देख रहे हैं पॉइंट शिफ्टिंग जो कि हमें आज बहुत मदद करेगा ठीक है ध्यान देना अच्छे से अब यहां देखो सभी लोग तो मान लो प्लीज ध्यान देना हाँ प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं छोटी सी अगर तुमने कंसेंट्रेशन नहीं दिया ना थोड़ा सा भी तुम्हारा ही नुकसान है तुम्हें आगे कुछ नहीं समझेगा मैंने तुमको बोला ना अगर तुम्हें इस कैलकुलेशन को ईजिली सॉल्व करना है तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और सिर्फ एक से डेढ़ घंटे की मेहनत मेहनत इतनी कि इस वीडियो को पूरा देखना है इतनी मेहनत कर दो फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम आसानी से हर चीज को सॉल्व कर पाओगे क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हो अपने टीचर की बात ना मानना मतलब अपने फ्यूचर को बर्बाद करना होता है इस बात को क्योंकि हम तुम्हारा ही फायदा चाहते हैं हमको क्या मिलने वाला है तुमको ये सब बता के तुम लोग ही इंजीनियर बनोगे ना डॉक्टर बनोगे ना तुम लोग ही अच्छा खासा बोर्ड में मार्क्स निकालोगे अच्छी जगह जॉब कर पाओगे दिमाग बढ़ेगा तुम्हारा नॉलेज मिलेगी तुम्हें बड़े बड़े कैलकुलेशन को चुटकी बजा के सॉल्व कर पाओगे तो ये तुम्हारा ही फायदा होगा ना हमें क्या मिलने वाला है जरा थोड़े सोचो अच्छे से दुनिया में दो ही सबसे तुम्हारा जो भला चाहने वाले हैं दो ही लोग हैं एक तुम्हारे माँ बाप और दूसरा तुम्हारा टीचर इसके अलावा दुनिया में कोई भी तुम्हारा भला चाहने वाला नहीं है ना तुम्हारा दोस्त ना कोई और तुम्हारा दोस्त तो कहेगा ऐसा कहता है तुम्हारा दोस्त कैसे कहेगा कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड फेल हो जाए तो बुरा लगता है और अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड टॉप कर दे तो और ज्यादा बुरा लगता है <laughs> समझ में आ रहा है तो वही हालत होती है फेल हो जाए तो थोड़ा तो बुरा लगता है यार मेरा दोस्त फेल हो गया मैं आगे निकल गया लेकिन अगर वो टॉप कर दे तो और ज्यादा बुरा लगता है कि हट यार साला बड़ा टॉप मार दिया यार कॉलेज में मैं नहीं मार पाया ठीक है तो ये बात ध्यान रखो अच्छे से मैं कह रहा हूँ और ऑर्गेनिक और का फ्लो चार्ट काम चालू है बन चुका है आधा चाहिए तो अभी भी दिखा सकता हूँ तुमको ऐसी कोई बात नहीं है ए लो देख लो यार नहीं तो तुम लोग मेरे को ही डांटोगे देखो यहाँ पे ये देखो ऑर्गेनिक का फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ बार बार चिल्ला बार्ट देखो दिख रहे दिया मैंने ये देखो दिख रहा है देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा ऐसा फ्लो चार्ट, ये देखो इतना ऑसम awesome चार्ट बनाया ना जिस दिन दूंगा उस दिन तुम्हें समझ में आएगा ये देखो पूरा पूरा बना दिया है भाई पूरा बना दिया काे इतना झंझट ले रहे हो देखो ये देखो My, देखो मेथड्स ऑफ ऑफ प्रिपरेशन अल्काइल एक ही बुक में एक ही पूरा पेज के अंदर पूरा देखो यहाँ जूम करूंगा ना, देखो, ऐसा कोई देगा नहीं तुम्हें इतना डेंजरस चीज बनाई मैंने बट अभी नहीं मिलेगा तुम्हें इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी चार पांच दिन रुको चलो कोई ना आधे घड़े बगुया लेट्स बिगिन पॉइंट शिफ्टिंग देखो यहाँ पे तो अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई पॉइंट फोर सेवन

तुम्हें फिजिक्स के जैसा आंसर अगर लिखना भी है तो तुम कुछ मत करो सीधा शिफ्ट करके लिख दो मान लो तुमको यहां पर पॉइंट को उठा के डालना है तो डाल दो चुपचाप कुछ नहीं करना क्या होगा बस डाल दो बाजू में मल्टीप्लाई करके टेन लिखो और क्या करना है जरा ध्यान देना आप जो बताने जा रहा हूं बेटा इस तरफ तुमने शिफ्ट किया ना पॉइंट को कितना डिजिट शिफ्ट किया है, किया है ना तो वन लिखो यहां पर और तो हमेशा होता है और इस तरफ शिफ्ट किया तो वन तो डिजिट किया ना, तो यहां पर प्लस आएगा समझा अच्छे से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं इस बात को आप सभी लोगों को अच्छे से माइंड में याद रखना तो ये तुम्हारा देखो पॉइंट शिफ्ट हो गया ध्यान दिएगा अच्छे से चलो एक और एग्जांपल लेते हैं मान लो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर सिक्स एट नाइन ऐसा कुछ वैल्यू दी हुई है और तुम्हें इस पॉइंट को उठा करके आठ के बाजू में लिखना है तो कुछ मत करो लिख दो चुपचाप अपने पापा का राज है लिख दो इधर और टेन का पावर लिखना रहेगा अब तुमने इस तरफ गए ना तो माइनस लिखना होगा कितना डिजिट गया वन टू थ्री डिजिट गया तो यहां पर तीन लिख के माइनस लिख दे बेटा ये देखा शिफ्ट हो गया पॉइंट तो ये और इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों सेम टू सेम है समझ में आ गया किसी बच्चे को कोई भी डाउट पॉइंट शिफ्टिंग चुटकी बजाते हुए समझ में आ गया जीवन में कभी भी पॉइंट शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आई बेटा सीधा यही टेक्निक अपनाने का ये अपने को हर कैलकुलेशन में मदद करेगा चल एक और कैलकुलेशन देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं मान लगर फोर सिक्स फाइव नाइन ऐसा है कुछ वैल्यू है और इन टू टेन रेस टू सिक्स है पहले से ऐसा दे दिया और मेरे को ऐसा चाहिए कि इस पॉइंट को उठा करके मतलब आगे और जीरो जीरो तीन डिजिट लेके आना है तो मैं क्या करूंगा लेके आ जाऊंगा मतलब इधर मुझे पांच डिजिट शिफ्ट करना है तो एक दो देखो यहाँ पे नाइन फाइव सिक्स फोर दो कर दिया अब आगे तीन और करना पड़ेगा मान लो टोटल पांच डिजिट शिफ्ट करना है बच्चा सुन रहे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं इस पॉइंट को आगे पांच डिजिट शिफ्ट करना है इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तरफ शिफ्ट करना है इस तरफ पांच डिजिट शिफ्ट करना है पांच डिजिट तो दो डिजिट तो पहले ही है देख रहा ही नहीं देख रहा रहा है नहीं दो डिजिट तो पहले ही है तो दो डिजिट और लाना है तो उसके लिए यहां तीन जीरो और ला दो समझा अच्छे से तो जीरो, जीरो, जीरो और ये कितना डिजिट गया पांच डिजिट पांच डिजिट इस तरफ गया तो पॉजिटिव लिखेगा तो यहां पे सिर्फ प्लस पांच आ जाएगा अब थोड़ा इसको और ये दोनों को क्या घास चरेंगे बैठ के इसको अच्छे से एक बार और थोड़ा सॉल्व कर लो ठीक है तो मैंने तुमको क्या सिखाया था बेटा याद है तो आबाद है भूल गए तो बर्बाद है है कि अगर बेस सेम है, तो पावर क्या होता है एड हो जाती है पावर क्या होगी एड हो जाएगी तो अगर मान लो टेन टू सिक्स है और मल्टीप्लाई में टेन रेस टू फाइव है तो टेन रेस टू सिक्स प्लस फाइव हो जाएगा और टेन रेस टू और छ्यारह होता है तो यहाँ पे टेन रेस टू इलेवन आ जाएगा तो ये क्या बनेगा टेन रेस टू इलेवन और जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर सिक्स फाइव नाइन मल्टीप्लाई दिस इज फर्क नहीं है बस लिखने का तरीका अलग अलग है याद है तो आबाद है भूल गए तो बर्बाद है याद रहेगा अच्छे से सब लोग ध्यान दो अच्छे से जो कह रहा हूं जीवन में कोई नहीं सिखाएगा तुमको ये बात तो पॉइंट शिफ्टिंग सीख गया बेटा लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तेरे चल अब एक बार और बताता हूं इसी को वापस शिफ्ट करता हूं मान लो भाई कि इस पॉइंट को अब इस पॉइंट को मुझे चार के बाजू में लेके जाना है तो चलो ध्यान देना से। लो इसी को मुझे चार के में करना है बेटा कभी भी याद रखना कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर आता है ना वो हमेशा वन डिजिट के बाद पॉइंट रखना होता है वन डिजिट के बाद ही उसमें हमेशा पॉइंट रखना होता है इस बात को लाइफ में हमेशा याद कर लो आप लोग चलो तो क्या करूंगा मैं अब मेरे को दिया। और में 10 कितना डिजिट इधर लेके गया बेटा इधर एक दो तीन चार डिजिट लेके आ गए तो यहाँ चार लिख दूंगा और इस तरफ लेके गया है ना तो यहां माइनस लिखते हैं इस तरफ लेके जाने के लिए देखो लिख के भी दिया था इस तरफ जाना है तो माइनस लिखते हैं समझा कि नहीं समझा यहां देख लो अच्छे से और इस तरफ जाएंगे तो प्लस लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा अभी माइनस में आ जाएगा तो ये देखो माइनस में आ गया तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो ये देखो अब इसको सोल्व कर लो चलो आगे थोड़ा सोल्व कर लो बेस सेम तो पावर एड ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन टू इलेवन और पावर एड ना तो माइनस फोर तो टेन रेस टू प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ग्यारह में से चार गया तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा सात तो यहाँ पे टेन रेस टू सेवन आ गया फोर पॉइंट सिक्स फाइव नाइन ये मल्टीप्लाई आ गया समझा अच्छे से किसी बच्चे को कोई डाउट देखो ये बेस सेम है ना तो इसके ऊपर के जो पावर है वो एड हो जाएंगे देखो यहां पर आ गया और ये वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी क्लियर बच्चा पॉइंट शिफ्टिंग में किसी बच्चे को कोई भी डाउट एकदम चिंदी चीज थी यही किसी को नहीं आता है और बच्चे लोग इसीलिए कैलकुलेशन रॉन्ग कर देते हैं मुझे नहीं लगता कि अब किसी को इस चीज में डाउट होगी ठीक है जल्दी बताओ प्रशांत भैया हमें कैसे समझ आएगा कि पॉइंट कहां पर लेना है साहिल पवार बहुत ही सुंदर क्वेश्चन तुमने पूछा है बेटा साहिल पवार इस कैलकुलेशन के बाप हम बाप हम हैं और जो चाहता है वही होता है तो बाप जो चाहेगा वहां रख सकता है पॉइंट को तो साहिल पवार तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कहां पॉइंट रखना है इट्स योर चॉइस तुम्हें कहां रखना है बाप की मर्जी चलेगी बेटे की नहीं तो तुमको जो चाहे ना वहां पॉइंट रख ले भाई

तूने कैलकुलेशन किया साहिल और तुम्हारा क्वेश्चन इधर इतना आ गया, इतना आ गया गया आंसर इतना लेकिन तुम्हारा जो रियल बुक का आंसर है टेक्स्ट बुक का आंसर नहीं नहीं हम लोग कभी कभी मेजर कर पाते तो बुक का आंसर मान लो कितना जानते हो बुक का आंसर मान लो सिक्स पॉइंट फोर एट जीरो वन और टेन रेस टू एट है ये तुम्हारे बुक का आंसर है और तुम्हारा आंसर ये आया तुम्हें लगेगा तुम्हारा रॉन्ग है तो कभी भी एक चीज ट्रिक बताता हूं कि इस पॉइंट को हमेशा इधर ही रखना होता है एक डिजिट के बाद पॉइंट को हमेशा एक डिजिट के बाद लाने का तुम्हारा आंसर कुछ भी आने दो ठीक है तो यहां पे क्या करोगे सुप चुप आएगा सॉल्व करो इसको आगे थोड़ा सा फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट फोर एट जीरो आठ हो जाएगा देखो बन गया बुक का आंसर आ गया

समझ में आया नहीं समझ में आया बोलो चलो अब विदाउट जीरो वाला थोड़ा सा पॉइंट बताता हूं आगे लिखना हो तो अब मान ले बेटा सपोज दैट कोई एक नंबर है मान लो कि फाइव सिक्स एट नाइन है तो इसको तुम्हें पॉइंट में लिख के दिखाना है ये एक नंबर है इसको पॉइंट में लिखना है तो कुछ नहीं पॉइंट जीरो ऐसा लिख दो बस इसका मतलब ही होता है पॉइंट जीरो चलो एक चीज और बताता हूं ये नोट कर ले कहीं भी एक और लिख के दिखाता हूं मान लो कि जीरो पॉइंट सिक्स नाइन वन है तो बेटा तू अगर इसके बाजू कितना भी जीरो लिख दे उसकी कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ रियल वैल्यू तेरी इतनी है रियल वैल्यू तेरी इतनी है याद है तो आबाद है भूल के तो बर्बाद है जीरो पॉइंट एक और बताता हूं सिक्स नाइन वन और इसके बाद तू तो कितना भी यहां पर जीरो लिख दे लास्ट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ वैल्यू इसकी है ये सब छोटी छोटी बातें याद रख ले बहुत फायदा देगा तुझे वरना लफड़ा हो जाएगा तेरा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रख जीरो तो की वैल्यू है।, है इसकी वैल्यू है समझा अच्छे से ये छोटी बात याद रखने का नहीं तो लफड़ा हो जाएगा ये जो चीज तुझे सिखा रहा हूं लाइफ में कोई नहीं बताता इतनी चिंती चीज और यही हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम देती क्योंकि बचपन में तो हम इसको पढ़े नहीं होते तो इस चीज को याद रखना हमेशा लाइफ में ठीक है चलो बहुत बढ़िया यहां तक की बातें क्लियर है किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट है क्या चलो कोई बच्चे को कोई भी यहां पे डाउट है यहां तक अब मैं सीधा कैलकुलेशन शुरू करूंगा लॉग वाला अब सीधा मैं लॉग कैलकुलेशन शुरू करने वाला हूं क्या शुरू करने वाला हूं सीधा लॉग का कैलकुलेशन करने शुरू करने वाला हूं मैं तुम्हें स्टेप बताने वाला हूं जल्दी बताओ बोलो कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लगा तुम्हें यहां तक मजा आया कि नहीं मजा आया बोलो जल्दी चैट सब लोग वीडियो देख रहे हो चैट नहीं कर रहे हो अब जब मैं बोल रहा हूं कि चैट करो तो चैट नहीं कर रहे हो <laughs> और बोलो जल्दी कैसा लगा ओपी ओपी आ आओ क्या बात है यस इसी बात पे दबा के लाइक ठोक दो महाकाल की कृपा से <laughs> ठीक है अभी लॉक चालू करता दो हाँ हाँ रिया नवाड़े रुक जाओ रिया जी करेंगे हम सॉल्व काहे टेंशन ले रहे हो ठीक है काहे सॉल्व कर रहे हो आज मैंने अपने नवरात्रि के गरबा का त्याग कर दिया और त्याग करके तो मैं लॉक टेबल सिखा रहा हूं तो पूरी एनर्जी जो गरबा में होती है वो पूरी लॉग में डाल रहा हूं मैं ठीक है गरबा की एनर्जी लॉग में डाल रहा हूं मैं ठीक है बोलना कुछ और था बोल कुछ और दिया चलो ठीक है कोई ना अब यहां आ जाओ पढ़ाई करेंगे धमाका मचाएंगे चल लेट्स बिगिन विद टॉपिक अब तो अब बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन जितना भी बेसिक चीजें चाहिए थी देखो यह क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे यह भूलना मत और जितनी भी बेसिक चीजें चाहिए थी जितनी भी बेसिक चीजें चाहिए थी सब सिखा दिया बेसिक चीजें मैंने सब सिखा दी बेटा ठीक है अच्छा एक छोटा सा रह गया उसको सिखा देता हूं मान लो अगर रूट एक्स है तो जो रूट एक्स है तो इसके बाजू में यहां कुछ नहीं तो टू होता है जो रूट एक्स लिखा ना मैंने यहां पे प्लीज ध्यान दो अच्छे से तो यहां कुछ नहीं तो टू होता है तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो अगर मान लो ऐसा है तो इसको तुम आ, इसको कैसे लिख सकते हो एक्स रेस्टू वन बाई टू यह दोनों का मतलब सेम होता है बातें समझ में आ गई मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं बातें समझ में आ गई तो रूट एक्स का मतलब वन बाय टू तुम ऐसे लिख सकते हो मैं यहां लिख देता हूं साइड में यह बात हमेशा याद रखना चलो आगे सिखाता हूं अगर मान लो यहां पे रूट एक्स है कुछ नहीं तो टू रहता है कुछ नहीं तो टू रहता है लेकिन मान लो यहां पहले से लिख दिया कि थ्री है तो इसका मतलब क्या होगा ये टू हो जाएगा ये चीज याद रहेगी छोटी सी चीज बहुत बड़ी बात है ये ये याद रहेगा मैं क्या कह रहा हूं तो इस बात को ये दोनों चीज़ को दोनों चीज कहीं नोट डाउन कर लो ये हमेशा तुम्हें लाइफ में मदद करेगा क्लियर है मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं इस बात को चलो याद रखना अब आ जाओ मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूं क्लियर है ना सारी बातें किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा सब कुछ समझा अच्छे से किसी को कोई डाउट है बहुत बढ़िया लेट्स बिगिन अब हम आगे बढ़ते हैं अब मैं चीजों को यहां पे लॉग कैलकुलेशन की चीजों को आपको बताने जा रहा हूं क्लियर चलो कैलकुलेशन के अंदर मैं तुमको तीन से चार स्टेप बताऊंगा ठीक है देख एक चीज पहले नोट करने वाली बात बताने जा रहा हूं कि अगर मान लो जैसे कि कोई वैल्यू है जैसे कि कोई वैल्यू है जैसे एक्स इज इक्वल टू सिक्स सेवन नाइन वन तुमको कुछ वैल्यू मिल गई तो इसका लॉग अगर निकाला इसका लॉग एक्स मान लो जिसे निकाला तो लॉग एक्स की वैल्यू सिक्स सेवन नाइन वन पुट करूंगा अरे एक्स के जगह में सिक्स सेवन नाइन वन रख दिया समझा कि नहीं समझा तो आपको पता है आपको पता है कि यहां जरा ध्यान दो और लॉग सिक्स सेवन नाइन वन का वैल्यू मान लो कुछ भी लिख रहा हूं मैं कुछ भी लिख रहा हूं मैं कुछ भी लिख रहा हूं यहां पर मैं कोई लॉग नहीं देख रहा मेरी मर्जी मैं कुछ भी लिख के दे रहा हूं ठीक है ऐसे समझाने के लिए एट वन सिक्स वन आ गया मान लो मेरा वैल्यू आ गई सपोज दैट मैं कुछ भी लिख रहा हूं मैं पहले ही बोल रहा हूं कुछ भी लिख रहा हूं मैं तो मेरी वैल्यू मान लो लॉग देखो मैंने पहले लिया था एक्स की वैल्यू इतनी ली थी तो इसका मैंने लॉग निकाला तो लॉग एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया और इसकी वैल्यू मेरे को इतनी आई तो आपको एक बात बताऊं क्या अगर तुम इसका एंटी लॉग ले लोगे ना एंटीलॉग एट वन सिक्स वन का तो आपको पता है क्या वापस से क्या आ जाएगा आपको वापस से यही वैल्यू आ जाएगी समझा कि नहीं समझा मतलब मैं मैं क्या सिखा रहा हूं मतलब अच्छे मतलब तो से तुम पहुंच जाते हो। इस बात को ध्यान देना अच्छे से इस बात को हमेशा याद रखना और कभी भी बेस इस टाइम पे टेन रहेगा हमेशा बेस तुम्हारा टेन रहने वाला है लॉग की वैल्यू तभी सॉल्व होती है जब किसी का बेस टेन होता है लेकिन हम उसको लिख के नहीं दिखाएंगे क्योंकि अपने को सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करना है exam, MCQ, सब में, तो हमें बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है समझ गया हमेशा लॉग का उल्टा लॉग होता है ये लाइफ में हमेशा अपने याद रखना मतलब अगर तुम जो मैं नोट डाउन करके नोटिया एक नोट कर लो ऐसे ही बता रहा हूं मैं ये ऐसे ही बता रहा हूं ध्यान दो अच्छे से जैसे एक एक्स की वैल्यू सिक्स सेवन नाइन वन है तो अगर तुमने उसका लॉग निकाल लिया ये मैं कुछ भी नंबर लिखा हूं मैंने कुछ देखा नहीं कुछ भी लिख दिया मैंने इधर पे ये नंबर तुमने लॉग निकाला इस नंबर का लॉग तुमने ये निकाला मान लो तो अगर तुम इस नंबर का एंटी लॉग ले लोगे ना तो वापस से तुम वहीं पहुंच जाओगे वापस से वहीं पहुंच जाओगे समझ में आ गया बच्चा तुम सब लोग को समझा इस बात को अच्छे समझ के रखना अच्छे से क्लियर है चलो अब मैं मेन कैलकुलेशन की तरफ जाने वाला हूं बेटा एक बात बताता हूँ अब मैं हूँ बायोलॉजी पढ़ाने वाला बंदा तो जैसा कि तुम सबको पता है कि लॉग एक लड़का है और उसकी बीवी का नाम एंटी लॉग है तो जब लॉग और एंटी लॉग दोनों मिलते हैं तो इनके दो बच्चे पैदा होते हैं पहले का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स और, और दूसरे का नाम है मैंटिसा मैंटिसा लड़की है और कैरेक्टरिस्टिक्स लड़के का नाम है तो ये दोनों ने रिजल्ट दे दिया तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये कुछ दे देंगे मतलब समझा अब मैं माँ बायोलॉजी सिखा रहा हूँ मैथ्स विद बायोलॉजी तो जब लॉग और एंटी लॉग मतलब लोग और एंटी के लोग एंटी लोग मतलब लोग और एंटी लोग दोनों मिलेंगे जब तो क्या निक रिजल्ट आएगा कितने रिजल्ट आएंगे दो रिजल्ट आएंगे हम कितने महीने में आते हो तो नहीं पता तो एक कैरेटिस्टिकस आएगा एक मैंटिसा आएगा ये दो तो एंटी लॉग आएंगे मतलब जब लोग और एंटी लोग इतने लोग एक लोग हैं और एक कुछ अंटी लोग कुछ लोग और कुछ अंटी लोग मिलेंगी तो फिर दो लोग आएंगे रिजल्ट एज अ रिजल्ट रिप्रोडक्शन तो कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा ये दो पैदा होंगे लेकिन प्रशांत भाई की दुनिया अलग है और प्रशांत भाई की दुनिया के हिसाब से हम ना हम एक्शन में ध्यान देते हैं प्रोडक्ट में नहीं रिएक्शन क्या हो रहा है उस रिएक्शन पे हमारा ध्यान होगा प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारा उस पर ध्यान नहीं है क्योंकि मजा तो रिएक्शन में आएगा प्रोडक्ट तो साला प्रॉब्लम देगा रोएगा चिल्लाएगा स्कूल भेजो वो वो करो फालतू की चीज है रिएक्शन में मजा आएगा तो हम इनके रिएक्शन में ध्यान देंगे प्रशांत भाई की दुनिया ऐसी है वो रिजल्ट पे ध्यान नहीं देने वाला वो किस पे ध्यान देगा लॉग एंटी लॉग ये मेरा मेरा ट्रिक है ये खुद का मेरा ट्रिक है मेरे को किसी भी इसके प्रोडक्ट से मतलब नहीं है ये क्या करते हैं उससे मतलब है ठीक है ध्यान रहेगा हमेशा इनडायरेक्टली मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा लेकिन मैं इनके रिएक्शन में समझ में आ रहे मेरी बाते। दिमाग में रही बातेंट पे घुस गई मेरी बात मुझे हाँ तुम्हारे दिमाग के सेंटर पॉइंट में घुस गई होगी मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं याद रहेगा मैं क्या कह रहा हूं तो इनके रिएक्शन में हम ध्यान देंगे चलो अब मैं शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले कभी भी लाइफ में एक बात ध्यान देना बेटा कि जब भी हम किसी का लॉग देखेंगे या जब भी हम कभी भी एंटी लॉग किसी का देखेंगे तो हमेशा हम कभी भी चार डिजिट का ही देख सकते हैं इस बात को हमेशा याद रखना कभी भी चार डिजिट का ही देख सकते हैं ठीक है, है? दूसरी बात जब भी हम कभी भी लॉग देखेंगे तो उसमें हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देंगे किस चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे किस चीज को डेसिमल को फॉर एग्जांपल के लिए ये लाइन मैंने क्या लिख दी बवाल लिख दिया मैंने अब देखो जैसे कि 47.82 लिखा हुआ है कोई नंबर तो मैं इसका लॉग कैसे देखूंगा 47 के 2 का 8 का 2 में 47 के 8 के 2 में लॉग में देखूंगा ठीक है इस पॉइंट से मुझे कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है तो फॉर एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो एक और ऐसी वैल्यू मैं लेता हूं जैसे कि जैसे कि ऐसे कोई भी वैल्यू ले लो फोर सेवन एट थ्री वन फोर ऐसा कोई नंबर ले ले तो तुमको ना सिर्फ चार डिजिट तक ही तुम देख सकते हो ये वन फोर फोकट का हो गया तो कभी भी इसको राउंड ऑफ करने का कभी भी ऐसी वैल्यू मिली ना तो इसको राउंड ऑफ करने का अब राउंड ऑफ करने का तरीका होता है कि लास्ट की वैल्यू को हमें हटाना होता है कैसे हटाएंगे ध्यान देना अच्छे से सीधा हटा दो फोर सेवन एट थ्री ये चार को हटाना है तो चार मेरा पांच देखने का से बड़ा है चार की छोटा है पांच से छोटा है चार की पांच से बड़ा है से छोटा है तो डायरेक्टली गायब कर दो ठीक है फिर इस वन को भी हटाने का हम गायब कर देंगे सिर्फ फोर सेवन एट थ्री बचेगा और इसका लॉग देख लो अब अगर मान लो यहां पे कुछ ऐसी वैल्यू होती फोर सेवन एट थ्री सिक्स सेवन ऐसा कुछ वैल्यू होता तो मैं हटाऊंगा अब यहां पे एट थ्री और इस सेवन को हटाने का है तो सेवन पांच से बड़ा है कि छोटा है बड़ा है तो ये एक इसको ऐड कर दोगे और और ये 7 बन जाएगा 6 और इस 7 को गायब कर दो समझा फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूजन हो गया रहेगा तुमको जैसे कि मान लो यहां फाइव है और यहाँ सेवन है ठीक है तो अब जरा यहां ध्यान देना अच्छे से तो मुझे लास्ट के डिजिट को गायब करना है तो ये पांच से बड़ा है कि छोटा है ये छोटा है कि बड़ा है बड़ा है तो इसको सीधा गायब कर दो और एक एक्स्ट्रा बढ़ा दो पांच छह बन जाएगा अब यहां भी पांच वैल्यूज हैं तो थोड़ा सा ऐसे राउंडिंग ऑफ बता रहा राउंडिंग ऑफ करने का बहुत बड़ा तरीका होता है तो फोर सेवन एट थ्री और ये जो सिक्स है ना ये भी क्या है बड़ा है पांच से तो इसको क्या करो गायब कर दो और इसके बाजू वाले को एक एक्स्ट्रा बढ़ा दो तो ये जो तीन है ये चार बन जाएगा फोर सेवन एट फोर विल बी द आंसर अब इसका तुम लॉग देखो जो करना है करो मतलब सिर्फ वैल्यू चार डिजिट तक देखेंगे क्यों देखेंगे उसको छोड़ दो मारो गोली वो मत जानो सिर्फ इतना ध्यान दो कि यहां पर चार डिजिट तक ही लॉग देखी जाएगी क्यों क्योंकि तुम्हारे लॉग की जो वैल्यू है उसमें सिर्फ चार डिजिट तक दिया हुआ है यहां पर तुम सब बच्चे ध्यान से देख सकते हो सिर्फ कोई भी नंबर देख लो चार डिजिट तक ही तुम्हें मिलेगा यू कैन सी एनी नंबर्स सिर्फ चार डिजिट तक ही वहां पे नंबर दिया हुआ है इस बात को अपने माइंड में घुसा लो अच्छे से देख लो समझ गया मैं क्या कह रहा हूं ध्यान रखना अच्छे से चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा अगर पांच रहा तो राउंड ऑफ करो लिल बंटी क्या नाम है तुम्हारा तुमको मैंने अभी बताया ना कि अगर पांच रहेगा तो कैसे उसको चार पे कन्वर्ट करना यही तो यहां पे सिखाया यार क्या गुंडा बनोगे देखो यहां पे देखो कितना सारा डिजिट है तो लास्ट का अगर पांच से छोटा है तो डायरेक्ट गायब करने का इसको डायरेक्ट गायब करो चार तक आने का इधर देखो यहां पे पांच से बड़ा था सेवन सेवन को गायब किया लेकिन पांच से बड़ा है ना तो बाजू वाले को पांच का बना दिया था फिर यहां पे देखो ये छह था ना तो इस भी से बड़ा था इसको भी गायब कर दिया और इसको चार बना दिया या यार यार ठीक है चलो ये छोटी चीज थी अब यहाँ देखो अब ये हमारे लॉक टेबल में आते हैं तो यहाँ जरा सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से ये जो मेरा लॉक टेबल है थोड़ा सा सब बच्चे फोकस करेंगे ये जो मेरा लॉग टेबल है तो यहां लॉगर इदम लॉगर इदम टेन से शुरू होता है बच्चा प्लीज ध्यान दो टेन से शुरू होता है और टेन से शुरू होकर के कहां तक जाएगा ये देखो यहां तक आएगा नाइनटी नाइन तक तो टेन से लेकर के नाइनटी नाइन तक तुम लॉग कहीं भी देख सकते हो ठीक है अब देखते हैं एंटी लॉग तो एंटी लॉग कभी भी पॉइंट के बाद देखा जाता है पॉइंट के बाद जो भी रहेगा वो नंबर तो पॉइंट जीरो जीरो से शुरू होता है एंटी लॉग पॉइंट जीरो जीरो से लॉग शुरू होता है ठीक है और ये कहां तक जाएगा पॉइंट नाइनटी नाइन तक समझा तन्मत महाले कहते अगर पांच ही हो तो अगर पांच ही रहेगा तो भी गायब कर दो और एक एक्स्ट्रा बढ़ा दो पांच रहेगा तो गायब कर दो एक एक्स्ट्रा और बढ़ा दो एक नंबर ठीक है पांच या पांच से ज्यादा रहेगा तो उसको गायब करके एक नंबर बढ़ा देने का समझा चलो ठीक है तो ये 99 तक पॉइंट के बाद तो कभी भी एंटीलॉक पॉइंट के बाद ध्यान से देखो अपने बुक में पॉइंट के बाद यहां पॉइंट के बाद चीजें दी हुई है ध्यान से देखो अपने बुक में पॉइंट के बाद चीजें दी हुई है पॉइंट के बाद तो कभी भी जो एंटीलॉग है वो एंटी लॉग पॉइंट के बाद देखा जाता है अरे भाई आंटी लॉग आंटी पॉइंट समझाना ठीक है तो ध्यान रखो अच्छे से <laughs> और लॉग जो होते हैं ये नॉर्मल रहते हैं सीधा ठीक है कोई भी पॉइंट इसमें नहीं देखना डायरेक्टली नंबर देखना होता है समझा ना तो एंटी लॉग में पॉइंट टू पॉइंट देखना होता है पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद देखना होता है समझा और पॉइंट का बाकी नंबर सब लॉग में चलो अब करके दिखाता हूं मतलब कैलकुलेशन और कुछ मत समझ लेना चलो अब यहां ध्यान दो आ जाओ सब बच्चे थोड़ा ध्यान देना बच्चे से तो अब बेटा जो सिखाने जा रहा हूँ थोड़ा सा उसमें फोकस करना अच्छे से थोड़ी सी मेहनत करना और जो बताऊंगा उसे ध्यान देना ठीक है एक स्टेप्स बताने जा रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन करना होता है उसका स्टेप्स बताने जा रहा हूँ लाइफ में कभी भी चलो मुझे ऐसी आशा है कि जो मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें बताया था ये फॉर्मूला दोनों के दोनों तुम्हें याद होंगे यही दोनों फॉर्मूले के दम पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे ये फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं याद है तो शायद तुम फिर भूल जाओ कि तुम्हें लॉग आएगा अगर कभी भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो लॉग देने के बाद वो प्लस हो जाता है अगर कभी भी डिविजन रहेगा ठीक है तो लॉग देने के बाद माइनस हो जाता है इतना याद कर लो बाकी आपको सब आ जाएगा चलो सी ठीक है ध्यान रखना अच्छे से अब इन फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे देखो अब सीधा स्टेप बताऊंगा जो स्टेप बताऊंगा उसे प्लीज ध्यान देना मान लो बेटा कोई कैलकुलेशन है कोई कैलकुलेशन है ध्यान देना अच्छे से प्लीज फोकस 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 ध्यान से ध्यान से ध्यान से फोकस मान लो बेटा कोई कैलकुलेशन है जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स सेवन एट वन ठीक है मान लो जैसे कि ऐसा मान लो ले लो पॉइंट डिवाइडेड बाय सिक्स या चलो सेवन पॉइंट नाइन वन इन टू फोर पॉइंट सिक्स सेवन वन ये कोई भी वैल्यू है मेरी ठीक है ये मेरी कोई वैल्यू है और इसको मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या मैं बहुत जल्दी कर पाऊंगा मैं ऐसे ही तुम्हें स्टेप बता रहा हूं कैसे करना है कैलकुलेशन लॉक का स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा आपको ठीक है तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले कि मैं इसको एक्स ले लूंगा ध्यान देना अच्छे से लॉक करने का तरीका जब तुम बहुत ही स्ट्रांग बन जाओगे ना तुम तीस सेकंड के अंदर कर पाओगे ठीक क्रॉस कर चुके हैं लेकिन उस दस सेकेंड में हंड्रेड मीटर की जो लिमिट है उसे क्रॉस करने के लिए उन्होंने चालीस साल मेहनत की है तो वो मामूली नहीं है समझा चालीस साल की मेहनत तब जाके दस सेकेंड की उस चीज को क्रॉस किया उन्होंने तो तुम्हें इस पूरे ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखना है तब जाके तुम आगे बढ़ पाओगे ठीक है चलो ध्यान देना अब क्या करोगे तुम कभी भी इसमें दोनों साइड लॉग देना होता है तो लॉग ऑन बोथ साइड बोथ साइड ये मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं बाद में एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा क्योंकि अपने को जल्दी करना होता है ये सब बोर्ड में लिख के नहीं दिखाओगे चलेगा तो लॉग एक्स इधर दे दो और इधर भी लॉग आपको देना पड़ेगा तो जीरो पॉइंट जीरो के वैल्यू होते ना फिजिक्स में कैलकुलेशन के टाइम पे चलो अब क्या करोगे कि इस लॉग को अंदर दे दो तो जब अंदर दोगे तो दोनों कैसे मल्टीप्लीकेशन में है डिवीजन तो में है ये डिवाइडेड बाय ये है डिविजन में है तो लॉग एम अपॉन एन जब होता है तो उसको क्या लिखते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा जाता है तो इसको भी क्या लिखोगे यहां पर लॉग जीरो मल्टीप्लाई बाय फोर पॉइंट सिक्स सेवन वन समझा अच्छे से कैसे आ गया ये ये log और ये और भी है देखो ये पूरा एम हो गया और ये पूरा एन हो गया एम अपॉन एन एम माइनस एन समझ गया फॉर्मूला याद है तो आबाद है लॉग एम अपॉन एन फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन होता है ये याद रखो दिस इज दी फॉर्मूला यही यहां पे अप्लाई किया है समझ गया अच्छे से चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं जीरो पॉइंट जीरो है हां ठीक है ये यही छोटी गलती मेरे से होती है कि मैं लिखने के टाइम पे थोड़ा ध्यान देना अच्छे से मैं मेथड मस्त सिखाऊंगा आपको कैलकुलेशन में किसी की भी थोड़ी मोड़ी प्लस माइनस की गलती होगी तो वो तुम समझ जाना ह्यूमन एरर होता है थोड़ा सा ठीक है चलो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे नेक्स्ट वाला ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर लॉग एम इन टू लॉग एन है तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहां देखो अच्छे से तो क्या आएगा ये लॉग जीरो Log ये हो गया और माइनस अंदर जाएगा बेटा एक छोटी सी गलती हर बच्चा करता है जब यह माइनस साइन होता है ना माइनस माइनस रहेगा ना अंदर तो कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले ब्रैकेट जरूर देना क्योंकि यह माइनस अंदर जाके बहुत लफड़ा कर देता है तो इसलिए ब्रैकेट जरूर देने का फिर आगे कुछ भी लिखने का अगर ब्रैकेट देकर ब्रैकेट नहीं दिया डायरेक्ट लिख दिया तेरा आंसर पक्का गलत होगा सौ परसेंट तेरा आंसर गलत हो जाएगा किसी भी कैलकुलेशन में बचपन में हो कोई भी कैलकुलेशन हो लाइफ में याद रखना अच्छे से ठीक है तो मैंने ब्रैकेट दे दिया और मैंने यहां क्या लिखा? लॉग लॉग प्लस चलो आगे देखते हैं इसको थोड़ा यहाँ फटाफट ध्यान दो तो लॉग जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन लॉग सिक्स सेवन पॉइंट एट फोर देखो अब माइनस अंदर देना पड़ेगा ना तो इसके पास भी माइनस जाएगा ये तो माइनस log पॉइंट नाइन वन माइनस लॉग फोर पॉइंट सिक्स सेवन वन अब समझा क्यों माइनस यहां ब्रैकेट देना है अगर तुम ब्रैकेट नहीं देते तो ये माइनस सिर्फ इसका माना जाता लेकिन ब्रैकेट दिया तो ये माइनस इसका भी है समझा अच्छे से ध्यान देना अच्छे से इस चीज को चलो तो ये यह हमारा यहां तक कैलकुलेट हुआ लॉग एक्स की वैल्यू तो स्टेप समझ रहे हैं मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं अब बेटा ध्यान दे तुझे करना क्या है अब बस तुमको इतना ध्यान देना है कि तुमको इसका लॉग देखना है लॉग बुक में इसका लॉग देखना है इसका लॉग देखना है इसका लॉग देखना है जो भी नंबर आएंगे उनको सॉल्व कर देना है जो भी नंबर आएंगे उनको सॉल्व कर देना है और जो भी यहां पर आएगा उसका एंटी लॉग ले लेना है तेरा आंसर तेरे सामने है समझ गया फिर से रिपीट करता हूं देखो अच्छे से देख बेटा कभी भी यहां तक जो तुमने निकाल लिया ना अब क्या करना है इनका लॉग देखो बुक में इनका लॉग देखने अभी सिखाना पड़ेगा ठीक है इसका लॉग देख लो और मान लो कि कुछ भी यहां पे तुम्हारा आंसर आया है मान लो सपोज दैट ऐसे कोई भी नंबर आ गया जो भी यहां पे नंबर आया है जो भी यहां पे नंबर आया कैलकुलेट करने के बाद इसका लॉग देखा इन सबका लॉग देखा प्लस माइनस किया तुमको कुछ यहां पे वैल्यू आ गई लॉग एक्स की अब क्या करो इसका एंटी लॉग देख लो एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ठीक है यहां पर जो भी वैल्यू हमारी आई थी ठीक है तुमको यहाँ पे लॉग लॉग कैंसल एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो तुम्हें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा वो तुम्हारा आंसर फाइनल कहलाएगा यही स्टेप होता है और यही सिखाना है तुम्हें क्लियर हो गई बातें मैं क्या कह रहा हूं मतलब जो भी लॉग एक्स की वैल्यू ये तुम्हें आई है इसको सॉल्व किया अच्छे से कैसे किया तुम्हें समझ गया ठीक है अब बस तुम्हें इतना सिखाना बाकी है बच्चा कि लॉग कैसे देखते हैं सिर्फ ये बताना बाकी है यही तो मेन सिखाना ही है कैसे देखते हैं ये देख लिया इसका लॉग देख लो प्लस इसका लॉग देख लो माइनस इसका लॉग माइनस इसका लॉग कैलकुलेट करो जो नंबर यहां पे आएगा उसका एंटी लॉग देख लो आंसर तुम्हारे सामने है समझा क्या कह रहा हूं फिर से बताता हूं यही वैल्यू सॉल्व करनी थी लॉग का फॉर्मूला लिखवा के दिया था यहां पे बार बार नहीं बताऊंगा पहले ही बोला था याद करो वरना भाग जाओ यहां से जिसको पढ़ना है वो सिद्धत से शुरू से बैठा हुआ है इस वैल्यू को याद करो फॉर्मूला याद नहीं है कुछ नहीं उखाड़ पाओगे से चलो ये याद हो गया फॉर्मूला तो तो ना तो इतना फास्ट आप कर पाओगे ना कि इतना बड़ा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी बट अभी तो बताना पड़ेगा ना ये प्रैक्टिस करोगे तभी तो फास्ट वाला कर पाओगे ठीक है तो ये प्रैक्टिस के ऊपर सब है तो अब क्या किया मैंने लॉग दोनों तरफ दे दिया इधर भी इधर भी फिर ये देखो एम और ये अपॉन एन वाला फॉर्मूला है तो ये एक बार डिवाइड हो गया फिर ये अंदर देखा तो फिर से यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में आ गया ठीक है अब देखो ये पूरा का पूरा प्लस माइनस जो भी है यहां पे इसको कैलकुलेट किया लॉग देखना पड़ेगा इसका अब लॉग कैसे देखोगे वो अभी सिखाने वाला हूं मैं ठीक है तो यहां जो भी नंबर आएगा वो आ गया फिर उसका जो भी नंबर आएगा उसका एंटी लॉग देख लिया और आंसर मिल गया समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं मतलब पहले लॉग निकालो फिर उसका एंटी लॉग निकालो तुम्हारे हाथ में वैल्यू आ गई समझा नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं ध्यान देना अच्छे से चलो तो क्लियर है सारी बातें किसी बच्चे को कोई भी थोड़ा भी यहां पे डाउट है क्या नो no डाउट यहां तक फंडा सब क्लियर है सब फंडा यहां तक क्लियर है बोलो जल्दी यहां तक सब फंडा सब बच्चों को क्लियर है किसी बच्चे को कोई डाउट अब मैं सिखाने जाने वाला हूं कि लॉग कैसे देखते हैं एक बार यह सीख लिया तो प्लस माइनस ही तो फिर करना है फिर तो आंसर हाथ में आ गया हमारे जल्दी बताओ जल्दी बताओ अभी ये पहला क्वेश्चन है भाई अभी मैं इस ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल करवाऊंगा अभी तो रूट वाला भी करवाने का है जल्दी बताओ समझा बहुत बड़े चलो अब शुरू करते हैं कैसे लॉग देखना है देखो यहां पे लॉग कैसे देखना है ये हमारा पॉइंट चालू हो गया देख बेटा अब मैं कुछ चीजें तेरे को बताऊंगा मान लो मैं एक ही नंबर लूंगा अब सब लोग सभी बच्चे अपने अपने बाजू में लॉग बुक खोल लो हर बच्चा अपने बाजू में लॉग बुक खोल फटाफट आगे बढ़ते हैं दो अच्छे से तो मान लो फोर सिक्स सेवन वन एक नंबर है फोर सिक्स सेवन पॉइंट वन एक नंबर है फोर सिक्स पॉइंट सेवन वन एक नंबर है ध्यान देना बहुत फिर टाइप बताने वाला हूं मैं फोर पॉइंट सिक्स सेवन वन एक नंबर है जीरो पॉइंट फोर सिक्स सेवन वन एक नंबर है जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट सेवन वन नंबर है, है ले रहा हूं ध्यान देना चीज जिसको आता है बहुत अच्छी बात है नहीं आता देखो यहां पर लॉक कैफे देखते हैं वही बताने जा रहा हूं चलो पहले इतने सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको सब समझ में आ जाएगा इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको ठीक है अब सब बच्चे अपने लॉग बुक में आ जाओ ठीक लॉक बुक दुकान में मिलती है खरीद लेना ठीक है चलो अब इसका देखते हैं पहले निकालेंगे बेटा एक बात बता क्या इसमें कहीं भी पॉइंट है कहीं भी इसमें पॉइंट है इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे हम सबसे पहले पॉइंट नहीं रहेगा ना तो पॉइंट बनाएंगे तो फोर सिक्स सेवन वन पॉइंट जीरो हो गया पॉइंट बना दिया यहां तक समझा कभी भी लॉग देखने के लिए हमें पॉइंट का होना बहुत जरूरी है एक बात क्लियर हो गई मेरी बात दिमाग में कान खोल के सुन लिया तुम सब बच्चों ने मेरी कान खोल के बातों को सुन लिया किसी भी वैल्यू में अगर पॉइंट नहीं है उसका लॉग देखना मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो कभी भी पॉइंट नहीं रहेगा तो पॉइंट बना लो पहली बात तो पॉइंट रहेगा ही रहेगा कोई भी लॉग का कैलकुलेशन हो पॉइंट रहेगा नहीं रहेगा तो पॉइंट बना लो चलो अब इसका लॉग देखना है तो क्या करेंगे उससे पहले एक बात बताऊंगा ध्यान से देखना जो कह रहा हूं एक एक स्टेप को ध्यान देना अच्छे से ठीक है ध्यान देना और जो ये लॉक की वैल्यू देख रहे हो हम यहां पे देखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे बाद में चलो अब यहां देखो अच्छे से तो पॉइंट के पहले पॉइंट के पहले मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द पे ध्यान दो मेरे वर्ड पे ध्यान दो पॉइंट के पहले पॉइंट के पहले कितना डिजिट है कितना डिजिट है मैं नंबर नहीं बोल रहा हूं कि फोर सिक्स सेवन वन गाइज आई एम आस्किंग अबाउट डिजिट्स एक, दो तीन चार डिजिट है टोटल चार डिजिट है तो पॉइंट के पहले कभी भी पॉइंट के पहले टोटल चार डिजिट है पॉइंट के पहले चार डिजिट है तो चार में से एक माइनस करने का ये ट्रिक है यहाँ पे तीन आ जाएगा तो क्या लिखने का यहाँ तीन लिखने का क्या लिखने का यहाँ पे तीन लिखने का क्या लिखने का तीन और अब देखने का फोर्टी सिक्स के सेवन पे वन लॉक टेबल पे क्या लिखने का फोर्टी सिक्स के सेवन का वन अभी मैं बहुत सी एग्जाम्पल देने वाला हूं तब तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी ध्यान से देखते रहो पॉइंट के पहले कितना डिजिट डिजिट फोर सिक्स सेवन वन नंबर नहीं डिजिट वन टू थ्री फोर डिजिट है तो चार में से एक कम करो तीन आ गया यहां पे पॉइंट दो ठीक है और अब यहां देखो कि क्या नंबर लिखा है तो फोर्टी सिक्स सेवन वन ठीक है तो फोर्टी सिक्स का सेवन का वन यहां पे हम लोग ध्यान देना अच्छे से प्लीज लेसन केयरफुली फोर्टी सिक्स के सेवन का वन चलो लॉग में आ जाओ फोर्टी सिक्स के सेवन का वन देखने जा रहे हैं हम लोग चलो अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं क्योंकि अब आपको सबको क्लियर तो दिखने ही वाला है चलो यहां आ जाओ देखो यहां पे फोर्टी सिक्स का सेवन का वन कभी भी देखो बच्चा एक बात बताता हूं जो फोर्टी सिक्स जो फोर्टी सिक्स यहां ध्यान देना अच्छे से जो फोर्टी सिक्स का सेवन का वन है ना प्लीज फोकस करो वहां तो इसमें से फोर्टी सिक्स की जो वैल्यू है वो हम कहां पे देखेंगे वो यहां पे देखेंगे ठीक है और जो बाकी का यहां पे दिया हुआ ना सेवन का वन है वो सेवन यहां से निकलेगा और वन की वैल्यू यहां से देखेंगे मतलब तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं देखो ध्यान से मैं जो बता रहा हूं तुम्हें फिर से देख लो देखो फिर से कह रहा हूं क्योंकि बार बार बताना जरूरी है ठीक है ध्यान देना कभी भी ये चार डिजिट का देखना है तो फोर्टी सिक्स जो है वो हम यहां पर देखेंगे दो डिजिट फिर जो बाकी का बचा हुआ है सेवन है वो यहां पे देखेंगे ये जो वन है इसको यहां पे देखेंगे क्लियर चलो अब आ जाओ बताता हूं कि कैफे देखना है तो फोर्टी सिक्स किधर है किस देखो, यह देखो यहां फोर्टी सिक्स है तो फोर्टी सिक्स का सेवन देखो फोर्टी सिक्स का सेवन यहां है फोर्टी सिक्स का सेवन यहां है दिख रहा ना सबको फोर्टी सिक्स का सेवन यहां है दिख रहा ना सबको हाँ, सबको वैल्यू दिखेगी क्लियरिटी बढ़ा लो ठीक है ये फोर्टी सिक्स का सेवन मिल गया आगे क्या है यहाँ पे वन भी है तो फोर्टी सिक्स का सेवन का ये वन मीन डिफरेंस वन ये वन फोर्टी का 7 का वन देखने आ गया चल बेटा समझ गया तुझे कैसे देखना है ठीक है देखो अच्छे से ठीक है देखो तो ये फोर्टी सिक्स है फोर्टी सिक्स का सेवन का ये वन ये वैल्यू है हमारी मेन वैल्यू चलो लिखोगे कैसे इस वैल्यू को इस वैल्यू को लिख के कैसे दिखाओगे ध्यान देना अच्छे से यहां पे हमें क्या वैल्यू मिली है 6, 6, 9, मिला है और मेन तो प्लस तो वैल्यू आ गई सिक्स नाइन फोर ये हमारे यहाँ पे वैल्यू मिल गई समझा अच्छे से तो थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स नाइन फोर इसका लॉग हो गया अभी तक हमने सिर्फ लॉग देखा है बच्चा देखने आ गया बच्चा तुम सबको लॉग देखने आ गया लॉक देखने ये पहले नंबर का आ गया चल बेटा एक और नंबर का लॉक देखते हैं पहले ध्यान देना अच्छे से सब लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक है बहुत ही मजेदार टॉपिक है मजा आ जाएगा सीखने में ठीक है चलो आ जाओ यहाँ पे देखो अच्छे से चलो ये नंबर का हमें देख के समझ गया कैसे करना होता है अब हम इस नंबर का देखेंगे अरे तीन क्यों लिया वो मत पूछो लिया बस वो ध्यान दो ना कैलकुलेशन समझना कि नहीं समझना अब यहां देखो अब यहां पे पहले से ही पॉइंट है तो पॉइंट के पहले देखना होता है ना मैंने आपको पहले ही बोला था कि कभी भी पॉइंट के पॉइंट के पहले कितना डिजिट है तो यहां चार डिजिट था चार में से एक कम किया तीन आ गया अब यहां पे क्या करेंगे यहां पे पॉइंट के पहले तीन डिजिट है तो यहां कितना लेंगे यहां दो लेंगे समझा और नंबर अब लॉग देखेंगे पॉइंट के पहले तीन डिजिट है तो यहां दो लेंगे अब सीधा लॉग देखेंगे फोर्टी सिक्स का सेवन का वन बेटा कभी भी पॉइंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता है यहां मैंने लिख के तुमको दिया था ना कि नेग्लेक्ट कर देंगे डेसिमल को लॉग देखने के टाइम पे डेसिमल को नेग्लेक्ट कर देंगे क्या कह रहा हूं मैं लॉग देखने के टाइम पे डेसिमल को नेग्लेक्ट कर देंगे और चार डिजिट का लॉग देखेंगे वही यहां पे लिख के दिया है तुमको ध्यान दो ध्यान दो भाई देखो यहाँ पे तो पॉइंट के पहले यहाँ पे जो तीन डिजिट दिया हुआ है तीन में से एक कम कर दो दो आ जाएगा डिजिट पे ध्यान देना कितने डिजिट है उस पे ध्यान देना अरे रुक जाओ सना शेख यार बताऊंगा ना सिंगल डिजिट का कैसे करना है पहले पढ़ाई में इधर ध्यान दो यार ये पॉइंट है अभी अरे पॉइंट में यहां पे ये यह पॉइंट को नेगलेक्ट कर दो अब लॉक देखो 46 का 7 का 1 तो वही नंबर वापस से आएगा ठीक है वही नंबर वापस से आएगा तो फोर्टी सिक्स की तरह फोर्टी सिक्स का इधर है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इधर है और सेवन का वन इधर है यानी सिक्स सिक्स नाइन फोर ही आने वाला है तो यहां पे क्या आएगा सिक्स सिक्स नाइन फोर समझा अच्छे से यही वैल्यू आएगी क्लियर बहुत बढ़िया सानू बवाने तुम बहुत सुंदर आंसर दे रहे हो चलो अब इसका वैल्यू देखते हैं अब इसकी वैल्यू देखते हैं इसकी वैल्यू अब इसमें क्या है यहां सब बच्चे ध्यान दो पॉइंट है पॉइंट के पहले दो डिजिट है तो यहां पे दो माइनस वन दो डिजिट है ना तो दो में से एक माइनस करने का ठीक है तो कितना आएगा वन और अब वैल्यू देखो लॉग में फोर्टी सिक्स के सेवन का वन लॉग में वैल्यू देखने के टाइम पे पॉइंट को फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो फोर्टी सिक्स का सेवन का वन तो वही वैल्यू आएगी ना यार है ना सिक्स सिक्स फोर नाइन नाइन फोर ही आने वाला है यार सिक्स 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 नाइन फोर ही आएगा समझा चलो अब ये वैल्यू देखते हैं इसमें क्या होगा पॉइंट के पहले कितना डिजिट है पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट है एक में से एक जाएगा क्या बचेगा जीरो और फोर्टी सिक्स का सेवन का वन देखो सिक्स नाइन फोर आएगा समझा इसको पे देखने का यहां यहां पे पे देखो सेवन का वन और कभी भी यह वैल्यू को इसमें ऐड करना होता है यह वैल्यू हमेशा कभी भी उसमें ऐड करना होता है क्लियर हो गई बातें मैं क्या कह रहा हूं इस बात को याद रख लेना चलो <coughs> इतना याद रखने का सब बता कभी भी मीन डिफरेंस एड करना होता है इतना याद रखो बस चलो तो यहां समझ अब इस वैल्यू की बात करते हैं अब बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट है यही तुमको तो मैंने बताया था कितना आसानी से तुम्हें समझाना था अब यहां पे पॉइंट के पहले जीरो आ गया रे बेटा यहां पॉइंट के पहले जीरो आ गया यहां पॉइंट के पहले जीरो आ गया अब क्या करोगे लॉग देखने के लिए जल्दी बताओ यहां देखो अच्छे से पॉइंट के पहले यहां पे जीरो आ गया अब जब ये जीरो आ गया तो जीरो के लिए आप क्या करोगे जीरो के लिए एक अलग ट्रिक है ध्यान देना अच्छे से तो जीरो अलग ट्रिक है कभी भी बेटा पॉइंट के आजू बाजू पॉइंट के आजू बाजू जीरो ना पॉइंट के पहले अगर जीरो ध्यान दो ध्यान दो सब बच्चे फोकस करो फोकस 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 पॉइंट के पहले पॉइंट के पहले अगर जीरो है तो एक अलग ही ट्रिक लगानी होती है पॉइंट के पहले हो या बाजू में हो कितना जीरो है जितना जीरो रहेगा उतने बार लेने का उतने बार लेने का वन बार बार मतलब बियर बार की बात नहीं कर रहा हूं बच्चे बहुत होशियार हैं बोलेंगे बार आए है वैसे भी आ, एज लिमिट होती है अभी तुम बार जा नहीं सकते हो तो वन बार और बाकी का वही तरीका 46 का 71 देखो 46 का 7 का 1 देखो 46 का 7 का 1 देखो फोर्टी तो सिक्स का सेवन का वन देखोगे तो क्या आएगा सिक्स सिक्स नाइन वन वही वैल्यू आएगी नाइन वन की नाइन फोर है।, है ना हाँ नाइन फोर है सिक्स सिक्स नाइन फोर ही आएगा समझा तो कभी भी पॉइंट के आजू बाजू अगर जीरो फंस के देखो अभी कहीं भी जीरो नहीं था ना यहां जीरो ना यहां जीरो ना यहां जीरो, जीरो पॉइंट के पहले ना यहां जीरो कहीं भी जीरो नहीं था अभी तक लेकिन अगर सिक्स पॉइंट के पहले जीरो आ गया तो फिर आजू बाजू कितने जीरो हैं जितना जीरो रहेगा उतने बार लिख दो अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इसमें देखो पॉइंट इस तरफ क्या है जीरो है तो पॉइंट के बाजू में भी देखने कितना जीरो है तो टोटल जीरो कितना हो गया दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दो बार और 46 अब लॉग किसका देखोगे 46 का सेवन का वन लॉग देखने के टाइम पे डेसिमल को इंक्लूड नहीं करते 46 का सेवन वन देखो तो 46 का सेवन क्या आएगा सिक्स सिक्स नाइन फोर समझ गया अच्छे से बच्चा बहुत सुंदर चल अब इसकी बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है पॉइंट आजू बाजू कितना जीरो है तीन जीरो तो कभी भी यहां पे तीन बार और लॉग देखेगा फोर्टी सिक्स का सेवन का वन ठीक है तो कितना आएगा सिक्स सिक्स नाइन फोर समझा अच्छे से इस तरह से हमें लॉग देखना होता है बच्चा लॉग देखने आ गया तेरे को बोल जल्दी अब बहुत आसान है आगे तेरे को मैं वैल्यू सिखाने वाला हूं कि कैसे आंसर जितना समझ गया ना इस इतना जिसको समझ गया हर लड़का कैलकुलेशन कर पाएगा हमने 80 परसेंट चीज सीख ली वो 80% हमने चीजें सीख ली बेटा 80% सीख लिया सिर्फ 10% बाकी है वो सीखने के बाद दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो मैंने बोला था कि तुमने 80% चीज सीख ली है दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो समझा अच्छे से विशाल बिरजे चार डिजिट के ज्यादा का नंबर का नहीं कर सकते हो ठीक है फिर भी आ जाओ मैं करके दिखाता हूं कि मान लो अगर चार्ज जीट के ऊपर का नंबर आ गया तो क्या करोगे देख बेटा अगर मान ले फोर सिक्स एट नाइन वन ऐसा वैल्यू आ गई ये चार्ट जीट से ज्यादा का नंबर है ना तो पहले क्या करोगे अपना वही फंडा अपनाने का पॉइंट पहले तो ये देखना रहता है ना कि पॉइंट को देखो पॉइंट के पहले, कि पहले कितने नंबर है तीन है तीन में से एक कम कर दो दो तो यहां पर दो लिख दो अब किसका लॉग किसका देखोगे फोर्टी सिक्स का सेवन का एट है ना ये क्योंकि हम जब लॉग देखते तो पॉइंट को हमें फर्क नहीं पड़ता तो कभी भी फोर्टी सिक्स का सेवन का एट देखेंगे ना लॉग में है ना लेकिन बेटा ये बाजू के जो नाइन वन है ये किधर जाएंगे अपने ये घास चरने जाएंगे क्या नहीं पहली बात तो जो ये नाइन है ये सॉरी जो ये वन है इसको तो ऐसे ही गायब कर दो क्योंकि पांच से छोटा है और नौ जो है ये पांच से बड़ा है अब तुम ही बताओ ना बेटा मुझे तुम खुद मुझे सिखाओ अब कि भैया लॉग में तो सिर्फ चार डिजिट दिया रहता है है ना लॉग में तो सिर्फ चार डिजिट ही दिया रहता है ना तो चार डिजिट ही जब लॉग में दिया है तो नाइन वन का घास चढ़ना जाएगा इसका कुछ नहीं कर सकते इसको हम फिगर करेंगे राउंड फिगर करेंगे इसका तो ये ऐसे गायब कर दो ये जो नाइन है ये पांच से बड़ा है तो इसको गायब करने के लिए आठ को नाइन बनाना पड़ेगा ठीक है तब जाके ये दोनों नाइन वन गायब हो जाएगा तो क्या करेंगे अपन पूरे के पूरे इस नंबर क्या कर दिया मैंने पूरे के पूरे नंबर को क्या करेंगे हम पहले राउंड फिगर करेंगे पॉइंट नाइन हो जाएगा ये हमारा मेन नंबर है समझा अच्छे से मतलब हमने इस नंबर को इसमें कन्वर्ट कर दिया समझ में आए बेटा मतलब ये को तो ऐसे ही गायब कर देंगे पांच से छोटा है नौ जो है ये से बड़ा है तो इसको गायब करने के लिए आठ को नौ बनाना पड़ेगा अब फोर्टी सिक्स यहां पर आ गई अब देख बेटा पॉइंट के पहले कितना जीरो पॉइंट के पहले कितना पॉइंट uh, के पहले कितना डिजिट यहां पे डिजिट दिया जीरो नहीं दिया है तीन डिजिट है तो दो पॉइंट और फोर्टी सिक्स का सेवन का नाइन देख फोर्टी सिक्स का सेवन का नाइन देखो सब लोग लॉग में फोर्टी सिक्स का सेवन का नाइन आ जाओ दिखाता हूं फोर्टी सिक्स का सेवन का नाइन तो भी लॉग में, में देखने का लॉग में पहले लॉग देखना होता है लॉग में तो क्या देखना है फोर्टी सिक्स का फोर्टी सिक्स का सेवन किधर है इधर है सेवन फोर्टी सिक्स का सेवन सेवन का नाइन नाइन किधर है लाइन सबसे लास्ट में तो नाइन इधर है देखने का लॉक देखने में गलती कर दो बेटा तो कितना आया को वैल्यू इधर से मिला और ये इधर से मिला तो प्लस आठ करना पड़ेगा तो आठ और तीन कितना होता है ग्यारह और नौ एक दस हो जाएगा सिक्स सिक्स सेवन और ये सिक्स तो सिक्स जीरो सेवन वन यहां पे क्या आएगा सिक्स जीरो सेवन वन ये वैल्यू हमारी लॉक की देखने के बाद आ गई क्लियर है क्लियर है सब बच्चों को यहां पे ये हमारा लॉग देखने के बाद वैल्यू आई किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या पे पॉइंट के पहले पांच डिजिट का नंबर हुआ तो पॉइंट के पहले पांच डिजिट का नंबर रहेगा ना श्रेयांश जयसवाल तो आजा बेटा तेरे को फिर सिखाता हूं बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो यार तुम लोग अब देख बेटा पहले सब लोग द चैट चैट बॉक्स में बोलो हा भैया हमको धमाकेदार यहां तक समझा अब हम फिर इसको देखेंगे मान लो थ्री फोर सिक्स सेवन वन पॉइंट एट नाइन ऐसा दिया रहेगा तब क्या करेगा तब तो लफड़े में फंस जाएगा ना <laughs> जल्दी बोलो यहां तक सब बच्चों को समझा हमने इसका लॉग देखा है वड़ा पाव वड़ा पा। इसका लॉग देख लिया ने वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव समझ में आया कि नहीं रे वड़ा पाव वड़ा पाव <laughs> समझा कि <की> नहीं समझा <laughs> अरे ये गलत है क्या हाँ ये लिखने में मैंने गलत कर दिया कोई ना यार इतना चलता है इतना क्या है यार सिक्स सेवन जीरो कोई इतना चलता है थोड़ा लिखने में देखो मैंने बोल तो वही रहा हूं ना ये थोड़ा सा सिक्स सेवन जीरो वन देखो इधर तो मैंने बराबर ही कैलकुलेट किया है देखो यहां तो बराबर ही कैलकुलेट किया है ना हाँ चलो समझा यहां तक बोलो जल्दी बच्चों से समझ में ना समझ में आ सबको चल अब बेटा एक बात बता इसका अगर लॉग देखना रहेगा तब क्या करेंगे भाई तब तो लफड़ा हो गया ना अपने पास बेटा मज़ा डोराडो देख यहां पे तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है पांच डिजिट है <laughs> पांच डिजिट है यहां राउंडिंग ऑफ तो काम आएगा ही राउंडिंग ऑफ के पहले और बड़ा नंबर यूज करना पड़ेगा और कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा इसी बात पे लाइक ठोक दे इसका पॉइंट देखना सिखाता हूं तो पहले दे दिया पांच रिजिट तो पहले दे दिया इसका राउंडिंग ऑफ क्या करूंगा पॉइंट तो इधर दे दिया बेटा साहिल पवार ने पूछा था कि अगर डाउट है मतलब अगर पॉइंट है उसको कैसे शिफ्ट करने का अपन ही बाप है अपन किधर भी पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं तो इस पॉइंट को उठा के इधर लिख दूंगा थ्री पॉइंट फोर सिक्स सेवन वन एट नाइन इंटू टेन टू कितना डिजिट, चार डिजिट इस तरह प्लस फोर ये पॉइंट आ गया टेन को तो बाद में संभाल लेंगे मेरी जान इस पॉइंट का लॉग देखेंगे लॉग देखने से पहले इसको भी अपन राउंडिंग ऑफ करेंगे थ्री पॉइंट फोर सिक्स सेवन और यहां पे ये जो तीनों नंबर है ये जो तीनों नंबर है ये जो तीनों नंबर है इसको हटाने का है लेकिन ये नाइन एट वन ये पांच से बड़े हैं ठीक है तो क्या करेंगे यहां पे जो वन है थोड़ा ध्यान दो तो अच्छे से एक मिनट ना सेवन एट नाइन वन है ना एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो सिक्स सेवन अरे यार सेवन वन एट नाइन है देखो यहाँ पे तो क्या करेंगे यहाँ पे इस नंबर का ये नंबर जो है यहाँ पे सिर्फ चार डिजिट तक अपने को चाहिए ना मतलब टोटल अपने को सिर्फ चार डिजिट चाहिए टोटल तो इसको गायब करने का है तो सात का आठ बना दो और पूरा गायब कर दो क्योंकि ये नौ आठ सब गायब हो जाएंगे यहां पे सात का आठ बना दो बस सब गायब हो गया मल्टीप्लाई टेन रेस टू फोर अब देख लो इसका लॉग तुम लोग इसका लॉग देखो अब तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट वन डिजिट जीरो आएगा क्या आएगा जीरो आएगा अब थर्टी का थर्टी का सिक्स पे एट देखो थर्टी का सिक्स का एट देखो थर्टी फोर का सिक्स का एट देखो रुबीना खान जरा रुक जाओ करके दिखाऊंगा थोड़ा सबर करो रुबीना खान उससे भी बड़ा क्वेश्चन लिया है रुबीना खान उससे भी बड़ा क्वेश्चन लिया है एक लड़का कहते हैं भैया ये पॉइंट शिफ्टिंग नहीं समझा आजा आप तेरे को डिटेल में समझाता हूं देख आजा एक एक स्टेप करूंगा तब समझ में आएगा देखो देखो इस पॉइंट को उठा के यहां रख दिया थ्री पॉइंट फोर सिक्स सेवन वन एट नाइन टू टेन रेस फोर समझा Point shifting समझा Point shifting समझा? क्या? चल आगे निकलते हैं अभी ध्यान दो। Point shifting समझ गया? अब कभी भी में चार ही देखना होता है तो बाकी के नंबर का क्या तो तो पांच से बड़ा था ना ये नाइन गायब कर दिया और आठ को नौ बना दिया ठीक है अभी भी अपने को सिर्फ चार ही चाहिए तो ये नाइन को गायब करने का तो थ्री पॉइंट फोर सिक्स सेवन वन और नाइन को गायब करने का है ना तो नाइन पांच से बड़ा है टू तो बना दिया और इंटू टेन टू फोर आ गया देखो ये वन को टू बना दिया और नाइन गायब कर दिया आगे बढ़ते हैं अभी भी अपने को कितना डिजिट चाहिए था चार तो ये टू को गायब करेंगे थ्री पॉइंट फोर सिक्स सेवन और ये टू ऐसे ही गायब कर दो क्योंकि टू छोटा है पांच से और ये नंबर अपने को मेन वाला मिल गया अब इस नंबर का लॉग देख लो यहां पे पहुंच गए तो डिजिट? डिजिट, वन 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 का का समझा अपने को चार डिजिट बनाना पड़ेगा मेरे जान अगर पांच डिजिट में दिया हुआ है तो समझा अच्छे से सबको समझा अच्छे से पांच से छोटा रहेगा हबीब नूरुद्दीन तो सीधा गायब कर देंगे नहीं बढ़ाएंगे उसको से छोटा रहेगा तो नहीं बढ़ाएंगे उसको पांच से बड़ा रहेगा तो ही बढ़ाएंगे राउंडिंग ऑफ में आठवीं कक्षा में सिखाया जाता है ये फिर भी मैं यहां सिखा रहा हूं तुमको चलो थर्टी फोर का सिक्स का सेवन देखो ये भी मैं देख के दिखाऊंगा टेंशन क्यों लेते हो थर्टी फोर का सिक्स का सेवन मिल जाए सारी अगर साथ तेरा मैं घूमू ये सारा जहां घर साथ तेरा मैं घूमू ये सारा जहां थर्टी फोर का थर्टी फोर का सिक्स का सिक्स का सिक्स का थर्टी फोर का सिक्स का सेवन सांगीला तेरा जाए नानी रात तेरे इधर है ये है ये है, है नाइन आएगा सेवन नाइन आएगा देखो यहाँ पे तो अपने को थर्टी फोर का ये और ये नाइन मतलब कि फाइव थ्री नाइन वन और ये नाइन तो नौ एक दस नौ एक दस फोर फाइव तो फाइव फोर जीरो वन है ना ये नंबर है ना सेवन हाँ तो कितना आया फाइव फाइव फोर जीरो जीरो यही नंबर आया समझा अच्छे से जीरो वन आया क्या फाइव फोर जीरो जीरो आएगा आई थिंक थर्टी फोर का सिक्स का सेवन देखना था मेरी जान थर्टी फोर का सिक्स का सेवन सेवन हाँ तो फाइव थ्री नाइन वन नाइन फाइव फोर जीरो जीरो आएगा वन नहीं आएगा तुम्हारा लॉक टेबल खराब है चलो ठीक है तो समझ गया अच्छे से अगर मान लो पांच डिजिट भी रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया सब बच्चों को किसी को कोई डाउट है किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक चलो तो बच्चों लॉक टेबल हमने देखना सीख लिया हमने लॉक देखना सीख लिया अब हम कैलकुलेशन करेंगे अब हम क्या करेंगे बच्चा अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं अब हम क्या सॉल्व करेंगे हमने लॉग देखना सीख लिया ना तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे समझा बच्चे क्या करेंगे हम अब हम एग्जाम्पल देखेंगे चल बेटा तेरे को एक टेक्निक दिखाता हूं अब ना मैं तुम्हारे सामने एक ट्रिक दिखाऊंगा ट्रिक चलो ठीक है लॉग देखना सीख लिया अब हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे फिजिक्स के कैलकुलेशन करेंगे अब हम केमिस्ट्री के कैलकुलेशन करेंगे अब हम मैथ्स के कैलकुलेशन करेंगे अब हम सब कैलकुलेशन करेंगे जिसको नींद आ रही है वो सो जा जिसको नींद आ रही है ध्यान दो अच्छे से जो बता रहा हूं जिसको नींद आ रही है वो सो जाए क्योंकि जब वो जागेगा तो उसकी दुनिया सबसे बड़ी होगी वो जब देखेगा दुनिया में तो उससे सब लोग आगे निकल चुके होंगे और वो सोता ही रह जाएगा दुनिया वाले सब उससे आगे निकल जाएंगे और वो ऐसे का ऐसे ही बैठा रह जाएगा उससे सब आगे निकल जाएंगे लाइफ में वो देखेगा उससे हजारों लोग आगे निकल जाएंगे और ये एकदम गरीब पीछे रह जाएगा सो जा सो जा भाई सो जा जिसको नींद आ रही है तो सो जाओ और जब तुम जागोगे दुनिया बदल चुकी होगी और तुम्हारी कोई लेवल नहीं होगी कोई तुम्हारी औकात नहीं रहेगी तुम एकदम पीछे गिर जाओगे आज की मेहनत आगे बहुत रंग लाएगी इस बात को ध्यान रखना चलो अब यहां ध्यान दो अच्छे से सोना है तो जिसको सो जाओ मैं नहीं मना करने वाला किसी को भी चलो अब हम एक कैलकुलेशन करेंगे उससे पहले मैं एंटी एंटीलॉक देखना सिखा दूं फिर सब हम आगे, आगे यहां पे तब पर देखेंगे चलो ठीक है ध्यान देना अच्छे से देखो मान लो भाई कि टू फोर सिक्स सिक्स ऐसा कोई एक वैल्यू है ठीक है ऐसी कोई मेरे सामने एक वैल्यू है चलो मान लो थ्री टू लेता हूं

ट्वेंटी फोर का थ्री का टू देख लो लॉग टेबल में तो यहां पे आ जाओ लॉग टेबल में तो लॉग टेबल में क्या देखना है लॉग टेबल में क्या देखना है लॉग टेबल में क्या देखना है इसका एक ही बार में ये इंक गायब नहीं होता क्या जितना भी है अब लॉग टेबल में ट्वेंटी फोर का थ्री का टू देखना है चलो आ जाओ तो ट्वेंटी तुम सबको लॉग की वैल्यू तो दिख रही है ना ट्वेंटी फोर का थ्री का थ्री का और टू ये मीन डिफरेंस में टू ये इधर पे मतलब कौन सी कौन सी वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू इनको ऐड करो थ्री एट फाइव सिक्स फाइव सिक्स थ्री एट फाइव सिक्स और प्लस फोर तो ये जीरो पांच एक छह आठ और थ्री कितना वैल्यू आ गई कितना वैल्यू आ गई अपने को यहां पे थ्री एट सिक्स जीरो है ना तो ये अपना लॉग हो गया यह इसका लॉग हो गया यहां तक समझा अच्छे से एट आएगा ना ट्वेंटी फोर का थ्री का टू देखना था 3, 8, 5, आएगा तो, तो टोटल थ्री एट सिक्स जीरो गलत वैल्यू मत देखो अगर बेटा तुम गलत वैल्यू देखोगे तुम्हारा कभी जीवन में करेक्ट नहीं आएगा समझा क्या कह रहा हूं मैं चलो अब हम क्या करेंगे अब हम इसका लॉग देखेंगे बेटा तुम अपने बुक में जाओ और लॉग का टेबल खोलो अब हमारे लॉग का काम आएगा यहां पे तो लॉग का टेबल खोलने का कभी भी बेटा एक बात ध्यान देना कि जो ये मीन डिफरेंस है ना मीन डिफरेंस हमेशा ऐड करना होता है कभी भी ऐड करने का इधर का वैल्यू इतना बस अपने लाइफ में याद कर लो ठीक है चलो तो थ्री यहाँ पे जो वैल्यू हमारे सामने दी हुई है ये जो भी वैल्यू दी हुई है जो भी वैल्यू हमारे यहाँ पे टोटल दिया हुआ है ये हमारा इसका लॉग है इस वैल्यू का लॉग टेबल है ये लॉग निकाला हमने अब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे ना अगर तो वापस से हमको यही वैल्यू मिलेगी वापस से हमको यही वैल्यू मिलेगी हमने इसका लॉग निकाला ध्यान देना अच्छे से प्लीज लेसन केयरफुली यहां ध्यान दो सभी लोग हमने इसका लॉग निकाला तो हमें यह वैल्यू मिली अगर हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे ना तो वापस से हमको यही मिलेगा समझा कि नहीं समझा अब देखते हैं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो हमें बाद में पता चलेगा हम अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें ये आया अगर हम इसका वैल्यू निकाले तो वापस हमें यही आना चाहिए ना तो चलो देखते हैं कि आता है कि नहीं तो देखो कभी भी बेटा एंटी लॉग में ना

हमें पॉइंट के बाद वैल्यू देखनी है मतलब थर्टी एट का सिक्स का जीरो देखना है मुझे कभी भी पॉइंट के बाद चार डिजिट अपने आप ही रहेगा और थर्टी एट का सिक्स का जीरो कभी भी पांच डिजिट इधर नहीं आएगा आएगा ही नहीं अगर आ गया तो तुम्हारा लॉग का गलत है तुम गलत कैलकुलेशन कर रहे हो ठीक है थर्टी एट का सिक्स का जीरो देखो थर्टी एट तो थर्टी एट किधर है थर्टी एट इधर है थर्टी एट का सिक्स का जीरो तो सिक्स किधर है सिक्स इधर है सिक्स सिक्स ये देखो इधर है इधर सिक्स का जीरो जीरो इधर है ही नहीं देखो यहां पे तो जीरो यहां पे कुछ दिया ही नहीं ना यहां पे जीरो को कुछ दिया ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता तो सिर्फ अपना कितना है टू फोर थ्री टू आया तो बस यही यहां पे लिख देंगे यहां पे टू फोर यहां पे लिख देंगे सीधा टू फोर अब देखो लिखने का एक तरीका होता है चल बेटा ध्यान दे अच्छे से यहाँ पे कितना वैल्यू आई टू फोर थ्री टू आई ना अपने को वैल्यू कितनी आई टू फोर थ्री टू आई ना तो टू फोर थ्री टू लिखो दिया अब यहाँ पे ट्रिक, करेंगे। यह ट्रिक याद करना पड़ेगा तुमको जो बताने जा रहा हूं ट्रिक ये होती है बच्चा कि हमने इसका एंटी एंटीलॉग देखा थर्टी एट का सिक्स का जीरो जो भी वैल्यू आई ना उसको यहाँ पे पॉइंट देने का और यहाँ मल्टीप्लाई करने का और टेन लिखने का ये फिक्स है और इधर जो नंबर लिखा रहेगा ना उसको यहां लिख देनेगा बस बस यही हमारा मेन आंसर है अब तुम बोलोगे भैया हमारा तो ये आंसर आना चाहिए लेकिन अपना आ तो ये है तब तो ये गलत हो गया ना नहीं बेटा गलत नहीं है ये टेन रेस टू वन का मतलब टेन होता है टू पॉइंट फोर थ्री टू में इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये टू फोर टू ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री टू हो जाएगा ये देखो सेम टू तो सेम इसके जयफा दिखेगा समझ गया तो ये आपको एंटी लॉग भी मैंने सिखा दिया अब हम बड़ा बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करने जाने वाले हैं क्लियर हो गया अच्छे से किसी बच्चे को कोई डाउट है जल्दी बताओ जल्दी बताओ यहां तक समझ गया साहिल पवार डेटा निकालने नहीं आता उसका अलग वीडियो बताऊंगा इधर नहीं बताऊंगा जल्दी बताओ रविराज जगताप कहते हैं कि सर आप बहुत डिटेल में पढ़ाते हो सब क्लियर हो जाता है मजा आ जाता है पढ़ के वाह क्या बात है अजय गाढ़े कह रहे हैं कि पॉइंट शिफ्ट हो गया हाँ भैया पॉइंट शिफ्ट हो गया समझ गया बच्चों किसी को कोई यहाँ पे डाउट है किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट है कैसे हमने धमाकेदार तरीके से निकाल लिया कभी भी लॉक का अपोजिट एंटी लॉक होता है पहले ही बताया था और यहां पे देखो आ भी गया क्रिस्टल क्लियर समझाया है मैंने तुमने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो सब बच्चों को समझा होगा समझा श्वेता कहती है ये बुक याद करनी पड़ेगी क्या नहीं बेटा ये एग्जाम में मिलती है ये लॉक टेबल बोर्ड एग्जाम में मिलता है ये जो लॉक टेबल है ना ये बोर्ड एग्जाम में मिलता है रे भाई याद नहीं करना होता समझ गया ये बोर्ड एग्जाम में मिलता है क्लियर है बोर्ड एग्जाम में ये किताब मिलती है बोर्ड एग्जाम में तुम्हें देंगे ये किताब याद हो गया अब चलो कैलकुलेशन करना शुरू करूं बोल बेटा कैलकुलेशन शुरू करूं क्या कैलकुलेशन स्टार्ट करूं अब कुछ एग्जाम्पल बड़े बड़े कैलकुलेशन करना शुरू करूं स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊं बड़े बड़े नंबर का कैलकुलेशन करना सिखाऊं, लॉग और एंटीलॉग बुक में फिर देखने आ गया ना अब बस बच्चा प्लस माइनस तो कर लिया करेंगे हम लॉग देखने आ गया कि नहीं आ गया बस इतना बताओ पहले बोलो चैट बॉक्स में सब लोग जल्दी जल्दी हर बच्चा चैट करेगा लॉग देखने आ गया ना भूलेगा कभी किसी को अगर भूल जाएगा तो फिर क्या कर है अभी अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं <laughs> कुछ बोल दूंगा तो लपड़ा हो जाएगा ठीक है इस वीडियो को सभी इंस्टाग्राम में स्टोरी में टैग करेंगे इस वीडियो को हर बच्चा इंस्टाग्राम स्टोरी में टैग करेगा जो बच्चा इंस्टाग्राम चलाता है और जो नहीं चलाता उसकी बात ही अलग है ठीक है तो हर बच्चा इंस्टाग्राम की स्टोरी में टैग करेगा बोलो करोगे कि नहीं करोगे अभी नहीं अभी नहीं करने का है लेक्चर के बाद करने का है अब बेटा एक लड़का कहता है कि भैया कैलकुलेशन कराने से पहले एक क्वेश्चन का लॉग देख के बताओ जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर फाइव इसका देख के बताओ इसका लॉग और एंटी लॉग निकाल के दिखाओ भैया तो कैलकुलेशन करने से पहले वो कहता है कि कैलकुलेशन करने से पहले भैया इसका लॉग देख के बताओ इसका लॉग और एंटी लॉग देख के बताओ तो मैं चलो निकाल देता हूं तो देख बेटा पॉइंट है अब पॉइंट के बाजू में क्या है जीरो है कभी भी इसी तरफ देखने का इस तरफ ही देखने का तो पॉइंट के बाजू में क्या है जीरो है तो जब पॉइंट के बाजू में जीरो होता है तो इस तरफ भी देखने का कितना जीरो है तो इस तरफ देखा तो दो जीरो इस तरफ देखा तो तो वन जीरो तो टो टोटल कितना जीरो हो गया तीन जीरो हो गया तो जितना जीरो होता है उतने बार लिखने का तीन बार ये तीन बार का मतलब होता है माइनस तीन तीन बार का मतलब होता है माइनस तीन ध्यान रखना इस चीज को चलो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है क्लियर चलो अब यहां ध्यान दो तो तीन बार आ गया अब किसका लॉग देखोगे बेटा अब लॉग देखोगे कोई डिजिट बचा नहीं सिर्फ फोर्टी फाइव बचा तो सिर्फ फोर्टी फाइव आ जाएगा का जीरो देखेंगे 45 देख में टेबल में लॉक टेबल में फोर्टी फाइव लॉक टेबल में फोर्टी फाइव किधर है, है। ये देख 45, 45 जीरो फोर्टी फाइव के आगे कुछ नहीं तो जीरो ना तो फोर्टी फाइव का जीरो जीरो ये इसका लॉग है ये इसका लॉग है अब हम क्या करेंगे चलो इसका एंटीलॉग भी देख लेते हैं तो इसका एंटीलॉग देख लेते हैं तो बेटा एंटीलॉग के लिए हमेशा पॉइंट का नंबर देखना होता है तो एंटीलॉग में आ जाओ अब एंटीलॉग में 65 का 3 का 2 देखो एंटीलॉग में 65 का 3 का 2, 65 का 3 का 2 देखो यहां पे तो 65 का ये रहा 3 3 का नहीं नहीं ये 2 है भाई सिक्सटी फाइव का थ्री का ये, ये, 3 3, ये 3 3 का 2, देखो ये थ्री है थ्री ये थ्री है थ्री का टू इधर देखो ये टू है मीन डिफरेंस टू देखो टू मतलब कौन सी वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू आई मतलब 4, 4, 9, 8 में 2 कर दो ये देखो ये टू ऐड कर दो तो आठ दो दस नौ एक दस चार एक पांच और ये चार तो कितना वैल्यू आया फोर फाइव जीरो जीरो आया तो क्या आया यहां पे यहां पे क्या वैल्यू आई फोर फोर ठीक है मैंने क्या सिखाया था कभी भी इधर पॉइंट देने का और बाजू में जो यहां लिखा रहेगा उसको यहां लिख देने माइनस तीन यहाँ माइनस तीन लिख देने का समझ गया बच्चा अब आप बोलोगे भैया ये वैल्यू आनी चाहिए ना इसका एंटीलॉग देखने के बाद तो अब तो ये आ रही है तो बेटा वो सेम है ये टेन रेस टू जो माइनस थ्री है ना इसका मतलब होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ठीक है तो ये क्या आएगी वैल्यू मतलब टू थ्री का मतलब कि इधर पे अपने को तीन डिजिट शिफ्ट करने का है जीरो तो चार और जीरो जीरो ये फाइव और ये 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 देखो आ गया समझा अच्छे से इस तरफ लेके जाएंगे ना माइनस का मतलब समझा ध्यान देना तो देखो ये वही वैल्यू मिल गई वापस तो आप समझ गया किसी को कोई डाउट रहेगा जीवन में लॉग एंटी लॉग देखने आ गया टेबल में मुझे लगता कि अब किसी को डाउट नहीं होगा मतलब यहां पर हर बच्चे का मैंने सब कुछ दूर कर दिया क्लियर कर दिया ऐसी ऐसी ट्रिक बताई कि कोई भी टेंशन ही नहीं है कैसे निकालते हैं? जिस भी बच्चे को जिसका लॉग निकलवाना होगा वो बच्चा सीधा नंबर लिखेगा ज्ञान नहीं बांटेगा कि पॉजिटिव को कैसे निकाले निगेटिव कैसे निकाले निगेटिव का नंबर का कभी भी एंटीलॉग होता है क्या निगेटिव नंबर का एंटीलॉक होता है क्या रुचि डोंगरे कहती नींद आ रही है सो जा बेटा सो जा कल जब उठेगी ना दुनिया बदल चुकी होगी आधे बच्चों को लॉक टेबल आ चुका होगा और तुम्हें भूल जाएगा तुम्हें नहीं आएगा ध्यान रखो इस चीज को चलो चलो समझ गया अच्छे से अब आगे निकलते हैं चलो अब शुरू करूं कैलकुलेशन कितने लोग रेडी हो कैलकुलेशन के लिए बोलो जल्दी कितने लोग कैलकुलेशन के लिए रेडी हो जल्दी बताओ कितने लोग कैलकुलेशन के लिए रेडी हो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर कैलकुलेशन स्टार्ट करू देखने आ गया जिसको नींद आ रही है सो जा सो जा बेटा सो जा कल दुनिया का पता चलेगा चलो चलो अब शुरू करते हैं सब लोग बोल रहे हो ना शुरू करने के लिए जिसके में बैटरी कम है उसको मेरी गलती थोड़ी है बैटरी कम है तब क्या करूं मैं चलो शुरू करूं शुरू करू शुरू करूं क्या करू जान इसका रिकॉर्डेड होगा ना नहीं दूंगा रिकॉर्डेड जाओ कट्टी तुमसे लाइव नहीं देख सकते रिकॉर्डेड क्यों दूंगा चलो शुरू करते हैं आप चलो अब मैं आसान आसान क्वेश्चन पहले सॉल्व कराऊंगा सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहला आसान क्वेश्चन ठीक है आसान आसान क्वेश्चन जीरो पॉइंट फोर वन टू थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स पॉइंट एट वन टू वन ठीक है चलो एक वैल्यू ले लिया ऐसे कोई भी अब इन वैल्यू का हम लॉक टेबल निकालने जाने वाले हैं ठीक है हम इन वैल्यूज का क्या निकालेंगे लॉक टेबल ठीक है चलो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं ठीक है मल्टीप्लाई बाय इधर ना लिख के इधर लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय इधर लिखूंगा चलेगा ना चलेगा ना सिक्स पॉइंट एट वन टू चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं ठीक है इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तुम लोग इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा ना ये क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन कर पाओगे जल्दी जल्दी बताओ क्या तुम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन एक झटके में कर पाओगे बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेटर तो एग्जाम में नहीं देता ये है ना चलो अब हम शुरू करते हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले ये नंबर है और ये नंबर है अब ये दोनों नंबर में के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन है और मैंने तुमको फॉर्मुले में क्या सिखाया था मैंने फॉर्मूले में सिखाया था ना तुमको यहां पर कि अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो एडिशन करने का लॉग का एडिशन करने का ट्रिक है ये ट्रिक ठीक है फॉर्मूला भी समझ सकते हो और अगर डिवीजन है तो माइनस करने का इतना याद रहेगा सब बच्चों को किसी को कोई डाउट है डिवीजन रहेगा तो माइनस करने का मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो एडिशन करने का तो अब मैं बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा बार बार अगर किसी ने बोला ना कि नहीं समझा तो मैं समझाने वाला नहीं हूं फिर चलो अब हम यहाँ पे जो भी इनका लॉग देखेंगे उनको हम क्या करने वाले एडिशन करने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर सब बच्चे जरा ध्यान देना अच्छे से हम क्या करने वाले लॉग जीरो अब इनका दोनों का लॉग देखते हैं तो सबसे पहले क्या करोगे लॉग देखने के लिए पॉइंट के पहले क्या है जीरो है तो पॉइंट के पहले जीरो मतलब वन बार पॉइंट फोर्टी वन का टू का थ्री देखो लॉग में जाके फोर्टी वन का टू का थ्री फोर्टी वन का टू का थ्री फोर्टी वन का टू फोर्टी वन का टू का थ्री मीन डिफरेंस थ्री मीन डिफरेंस ये थ्री मतलब क्या मिला ये मिला वैल्यू अपने को क्या मिली वैल्यू ये मिली मतलब कि सिक्स वन फोर नाइन प्लस थ्री नौ तीन क्या होता है बारह चार एक पांच और ये वन ये सिक्स वन फाइव टू क्या मिला यहां पे सिक्स वन फाइव टू ये लॉग मिल गई हर बच्चा ध्यान पे देख रहा है देख नहीं रहा है जो वो भजे तलो बैठ के मेरी गलती मत देना बाद में चलो अब इसका देखते हैं चलो तो पॉइंट के पहले यहां पे क्या दिया है पॉइंट के पहले वन दिया है जिसको नहीं आता मैं इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको आ जाएगा तो पॉइंट के पहले क्या दिया है वन डिजिट दिया है तो वन डिजिट जब दिया हुआ है यहां पर तो वन माइनस वन जीरो होता है यहाँ पे का का तो का का तो वन यहाँ पे 1 का 2, यहाँ पे, डिफरेंस पे। ठीक है तो कितना वैल्यू आया? यहाँ मेन डिफरेंस वन और ये तो एट थ्री थ्री वन प्लस वन तो ये क्या बन जाएगा टू थ्री थ्री और एट मतलब कितना एट थ्री थ्री टू समझा अच्छे से चलो वैल्यू आ गई अपने को अब चलो दोनों को एड कर दो यहां पर अब दोनों वैल्यू को एड कैसे करोगे अब एड करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा देखो वन बार सिक्स वन फाइव टू प्लस जीरो पॉइंट एट थ्री यहां पर और ये थ्री टू इसी को एड करना है टू टू फोर तीन आठ मतलब फाइव थ्री एट थ्री प्लस वन फोर और एट और सिक्स कितना होता है एट सिक्स होता है फोर्टीन फोर्टीन का फोर कैरी वन तो जब ये कैरी वन आई तो अब इस टोटल वैल्यू को ध्यान से देखो जरा ये वन कैरी हो गई और ये वन बार का मतलब क्या होता है माइनस वन होता है और उसके नीचे प्लस जीरो दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना आएगा वन प्लस माइनस वन और प्लस जीरो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो 0. मतलब जीरो पॉइंट फोर समझा अच्छे से मतलब टोटल वैल्यू कितनी मिले जीरो पॉइंट फोर फोर एट फोर चल बेटा इसका एंटी लॉग देखते हैं अब आंसर मिलेगा पॉइंट के बाद एंटी लॉग देखा जाता है तो फोर्टी फोर का एट का फोर देख लॉग फोर्टी फोर का एट का फोर एंटी फोर्टी फोर का एटी का फोर्टी फोर का एट फोर फोर्टी फोर 44 का एट का फोर फोर्टी फोर किधर है फोर्टी फोर का एट किधर है एट इधर है तुम लोग जब बहुत बार देखोगे ना तुम्हें कॉलम याद हो जाएगा इधर है एट का फोर किधर है मेन डिफरेंस फोर मेन डिफरेंस फोर इधर है ये ठीक है मतलब थ्री टू एट जीरो तो टू एट जीरो फाइव और प्लस थ्री मतलब ये आठ जीरो एट टू यहां पे कितना आया टू अच्छे से लिखता हूं थोड़ा सा टू एट जीरो एट ठीक है चलो ध्यान रखना अच्छे से यहां पे यहां पे पॉइंट दे दो और इंटू टेन रेस टू जीरो तुम्हारा फाइनल आंसर है टू पॉइंट एट जीरो से भी तुम लोग कैलकुलेटर से भी कर लो तुमको यही आंसर मिलेगा कर लो चाहिए तो ठीक है इसका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा कर लो चाहे समझ गया ना कितना आसान है वैल्यू निकालना कितना आसान है समझा क्या अभी तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है इसको अभी और चिंदी बनाऊंगा समझा कि नहीं समझा बोलो जल्दी किसी बच्चे को कोई डाउट है कितना आसान है एक बार इनका लॉक देखो और फिर जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉक देखो आंसर आ गया हमारे हाथ में चलो और समझ दू अभी तो और कराने का है जल्दी बोलो चलो ठीक है समझ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बस तुम लोग इसमें कंफ्यूज मत होना हा? ये जो कैरी होती है ना कैरी को सीधा ऐड करने आना चाहिए यही चीज बच्चे गलती करते हैं बहुत इजी है ना चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं अभी और मल्टीप्लिकेशन के ही कराता हूं फिर डिविजन के कराऊंगा रूट वाला लास्ट में कराऊंगा सबसे लास्ट में रूट कराऊंगा ठीक है चलो तो अभी एक वैल्यू लेता हूं जीरो पॉइंट जीरो फोर थ्री मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय क्या ले लू जीरो पॉइंट फोर वन टू इसके बाद पावर का लूंगा पावर का एक ये क्वेश्चन आसान ले लेता हूं फिर इसके बाद पावर के क्वेश्चन लूंगा ठीक है पावर में कुछ समथिंग रहेगा और मल्टीप्लाई बाय यहां पे टू फोर लेता हूं चलेगा ना अभी टेन के पावर का लेता हूं ठीक है चल बेटा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुमको दिख गया लाइफ में जब तुम्हें कभी भी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो जो ये टेन रहता है ना टेन इसको मारो गोली इसको साइड में रखते जाओ इससे कोई मतलब नहीं अपने को इससे बेटा अपने को कोई मतलब नहीं है

अपन साइड में करते हैं तो मैं साइड में कर रहा हूं ठीक है वो लिख के दिखाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को ठीक है उसको अभी ऐसे रखो बाद में देखते हैं अपन इसको पहले कैलकुलेट करो ठीक है चलो लॉग देखो इसका क्या आएगा तो पॉइंट के पहले जीरो है तो आजू बाजू तो दो जीरो है दो बार और फोर्टी थ्री देखो कितना है अब यहां देखो अब यहां पे हम ये देखेंगे कि जो फोर्टी थ्री है तो वो फोर्टी थ्री पे वैल्यू बताओ कितनी आएगी सब लोग चलो चैट में सब लोग बताओ रे बाबा ठीक है चैट में सब लोग बताओ कितना वैल्यू आएगा फोर्टी थ्री का फोर्टी थ्री का लॉक कितना आएगा फोर्टी थ्री का जीरो देखेंगे कुछ नहीं तो जीरो रहता फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री का जीरो फोर्टी थ्री का जीरो कितना आएगा सिक्स थ्री थ्री फाइव चलो बहुत बढ़िया सबने ये बताया क्या हाँ चलो यहां पर आ जाओ पॉइंट है पॉइंट के पहले जीरो है सिर्फ एक ही जीरो है फोर्टी तो वन, बार आएगा. तो वन बार पॉइंट, 41 का टू फोर्टी वन का टू देखो फोर्टी वन है इधर और टू ये वैल्यू आएगी ध्यान पे तुम लोग खुद ही देख लो

यहाँ पे फोर फोर थ्री सेवन एट कैरी थ्री वन फोर सिक्स का मतलब होता है माइनस तो प्लस माइनस माइनस टू और यहां प्लस माइनस वन और माइनस वन माइनस वन माइनस वन क्या होगा माइनस टू यानी टू बार समझा अच्छे से क्या आ गया टू बार आ गया बहुत सुंदर तो कितना आएगा टू बार पॉइंट टू फोर एट फोर बच्चों समझ रहे ना सब कुछ। किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट होना नहीं मांगता है, है क्योंकि प्रशांत सिखा रहे डाउट कैसे आएगा तो यहां पे कि ट्वेंटी फोर इधर है ट्वेंटी फोर का एट का फोर देखो, एट इधर आएगा ठीक है एट का फोर मेन डिफरेंस फोर मेन डिफरेंस फोर कितना आया वन सेवन सेवन जीरो प्लस टू टू सेवन सेवन वन यानी कितना आया टोटल यहाँ पे वैल्यू मेन वन पॉइंट सेवन सेवन टू मतलब देखो जो भी वैल्यू हमने यहां पे लिखा तो क्या करने का सेवन सेवन टू लिख दो पॉइंट लगा दो यहां पे समझ में आया नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं और इनटू इन क्या करोगे जो भी इधर पे वैल्यू तुमको दी हुई है इधर जो भी लिखा हुआ है इधर क्या बाजू में हमने कुछ छोड़ा भी था ये टेन रेस टू फोर छोड़ा था ना अपन ने अब यहाँ पे टेन फोर लिख दो बस हो गया यही तो वैल्यू है समझा कि नहीं समझा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं क्लियर हो गई बातें किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है अब यहां सॉल्व कर लो इसको फटाफट फट, सेवन सेवन टू और टेन रेस टू यहां पे बेस सेम पावर एड तो माइनस टू प्लस फोर क्या होगा टू यहां टू आ जाएगा मेन आंसर क्या आएगा वन सेवन सेवन पॉइंट टू ये फाइनल आंसर है ये भी फाइनल आंसर है दोनों करेक्ट है ठीक है दोनों करेक्ट है दोनों करेक्ट है ये टेन का टू है ध्यान देना अच्छे से चलो पावर में दोनों करेक्ट है चलो कर लो तुम लोग किसी से भी कर लो सॉल्व समझ गया अच्छे से हर बच्चे को क्लियर है जल्दी बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया समझ गया सबको किसी को कोई डाउट जल्दी बताओ आयुष उपाध्याय जितना दिया पहले उतना करो साइन बिन का बाद में बताऊंगा रसी प्रोकॉल भी बाद में बताऊंगा चलो क्लियर यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है नींद आ रही है तो सो जा बेटा कल उठेगा पूरी दुनिया बदल जाएगी पहले ही बोल रहा हूं चलो बताओ साइड में कहीं भी लाइन मार के रफ बुक में करना होता है बोर्ड एग्जाम में चलो समझा अच्छे से यहां तक क्लियर एकदम कड़क चलो अब मैं एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूं बड़ा क्वेश्चन ठीक है बड़ा क्वेश्चन लेता हूं अब अब चलो थोड़े बड़ा क्वेश्चन लूंगा अब थोड़े बड़ा क्वेश्चन ठीक है चलो लेट्स बिगिन बहुत से क्वेश्चन करा के देना है आज अभी मैं रूट वाला जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो रूट का क्वेश्चन होगा वो जो लास्ट का क्वेश्चन होगा ना वो हमारा रूट का क्वेश्चन होगा अभी हम थोड़ा डिवीजन का करते हैं अभी हम एक क्वेश्चन डिवीजन का करेंगे ठीक है जल्दी बताओ मैं खुद इतनी रात में पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ नहीं सकते हो ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम है ना है अब यहां देखो अच्छे से अब मैं तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं डिविजन का जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फोर टू वन थ्री ऐसा मान लो क्वेश्चन आ गया तो अब तुम इसका डिवीजन कैसे करोगे तो चलो मैं इसका तुम्हें डिवीजन करके दिखाता हूं बेटा आप थोड़ा ट्रिक अपनाएंगे अपन अपने को भी पता है कि लॉग की वैल्यू ध्यान देना अब मैं थोड़ा आसान करके दिखाऊंगा अब धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस में आसानी से कर रहा हूं ध्यान देना अच्छे से तो अपने को भी मालूम है कि जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन वन और ये माइनस होगा क्योंकि अपॉन में है और ये लॉग जीरो पॉइंट फोर टू वन थ्री ऐसे होने वाला है तो मैं बार बार ऐसा क्यों लिखूं मैं मेरे को पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है मैं क्या करूंगा मैं सीधा क्या करूंगा इसका लॉग देखूंगा इसका और इसका पहले लॉग निकालो तो इसके बाजू में क्या है जीरो है तो उसके बाजू वाला जीरो भी देखो तो, तो टोटल टू बार हो गया और सिक्सटी सेवन का वन सीधा लॉग में देखने का सिक्सटी सेवन का वन सीधा लॉग में देखो सिक्सटी सेवन का वन सीधा लॉग में देखो किधर जि है सिक्सटी सेवन का वन सिक्सटी सेवन का वन सिक्सटी सेवन का वन 67 का 1 देखने का है 67 का 1 इधर है तो कितना आया मतलब 8267 आया यहाँ पे क्या आएगा 8267 अब बेटा ये जो लॉग दिया था तो ये अपॉन में था तो माइनस होगा ना तो यहाँ माइनस लिख दो क्यों बार-बार तुम लोग लॉग लिख के दिखाओगे यार इतना नहीं करने वाले हम लोग अब हम इसका लॉग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है जीरो दिया है तो मतलब 1 बार आएगा और 0.42 का 1 का 3 है फोर्टी टू का वन का थ्री है तो जब फोर्टी टू का वन का थ्री है तो यहां देखो फोर्टी टू का वन की थ्री किधर दिया है फोर्टी टू किधर है सब लोग बुक में अपने देखो रे बाबा फोर्टी टू का वन का थ्री वन इधर है वन देखो यहां पे। ये यह वैल्यू इधर है ये फोर्टी टू का वन का थ्री थ्री इधर आएगा तो सिक्स टू फोर थ्री प्लस थ्री 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 यहां पर क्या होगा सिक्स फोर टू सिक्स कितना आया सिक्स टू फोर सिक्स ये वैल्यू आ गई समझा अच्छे से अब इसको क्या करो माइनस कर दो ये अपॉन में है तो माइनस होगा ना ये ध्यान रखने का थोड़ा ट्रिक भी, का करो तुम लोग भी चलो अब क्या करोगे माइनस करते सेवन में से सिक्स गया वन सिक्स में से फोर गया टू टू में से टू गया जीरो आठ में से छह गया तो दो ठीक है अब यहां पे इसको कैसे माइनस करोगे तो टू बार का मतलब माइनस टू फिर ये माइनस है तो माइनस फिर ये वन बार तो यहां पे फिर से माइनस वन माइनस तो टू और यहां पे ये जो माइनस माइनस है माइनस माइनस प्लस ये वन तो प्लस माइनस माइनस फिर से होगा और ये माइनस वन मतलब वन बार आ जाएगा समझा हर बच्चे को समझा गया यहां पर क्या आ जाएगा अपने को वन बार तो यहां पे मेन अब ये वन बार आ गया अब क्या करोगे इसका एंटीलॉक देख लो सीधा आंसर आ गया हाथ में अपने एंटीलॉक ट्वेंटी का टू का वन ट्वेंटी का टू का वन एंटीलॉक ट्वेंटी का टू का वन किधर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इधर है 20 वन किधर है इधर है जीरो आया तो मतलब यहां पर वन फाइव नाइन टू का जीरो तो वन फाइव नाइन टू आएगा जीरो डाल दिया मल्टीप्लाई बाय टेन रेस्ट टू माइनस वन ठीक है तो ये हमारा फाइनल आंसर है एक झटके में आंसर निकल गया किसी बच्चे को कोई भी डाउट इसका एंटीलॉक देखा था हमने एंटीलॉक क्लियर है क्या मैं जो कह रहा हूं समझ में आया कि नहीं समझ में आई सब बच्चों को क्लियर हो गया बातें किसी बच्चे को कोई भी डाउट है जल्दी बताओ ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है देख बेटा अपन क्या करते थे थोड़ा समझने की कोशिश कर अगर ये जो था ये, ये जो सम है, ये सम में अपॉन मतलब माइनस होता है ना लॉग का वैल्यू अगर इसमें लगाऊंगा तो अपॉन में मतलब माइनस होता है ना तो यहां माइनस आ जाएगा ना तो इसलिए मैंने क्या किया अपन क्या करने वाले थे इसका लॉग निकालेंगे इसका लॉग निकालेंगे और दोनों को माइनस ही करने वाले ना तो मैं उतना क्यों लिख के दिखाऊं अपने को कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने का है ना ना अपने अपने को को कम कम टाइम टाइम में में जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्वेश्चन करने का है ना, जब अपने कम में जल्दी करना है जब करना तो मैंने इसका लॉग निकाला देखो इधर आया फिर मैंने इसका लॉग निकाला देखो इधर आया और दोनों अपॉन में है तो मतलब माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस कर दिया और देखो इन दोनों को माइनस का जो भी आंसर आएगा माइनस करने के बाद उसका एंटी एंटीलॉक देख लिया एंटी एंटीलॉक देखा कभी भी पॉइंट के बाद एंटी एंटीलॉक देखना होता है तो ये नंबर आया वन फाइव नाइन टू आया वन फाइव नाइन टू एंसर आया था तो अपना ट्रिक क्या था एंटी एंटीलॉक देखने के बाद पॉइंट इधर एक पॉइंट लिखने का और मल्टीप्लाई में टेन के पावर में जो इधर रहेगा उसको यहां डाल देने का तो मैंने वही चीज यहाँ पे डाल दी समझा देखो यही आ गया समझा कि नहीं समझा क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ कितना आसानी से अब ऐसे ही देखो हमने इतना आसानी से कर लिया लॉक देखा एंटी एंटीलॉक देखा आंसर निकाल लिया इतना आसानी से कर लिया हमने इतना आसानी से ऐसे छोड़ अब देखो अब तुम्हें बिलीव हो रहा कि नहीं हो रहा है तुम इतने बड़े कैलकुलेशन को 30 -40 में आराम से कर सकते हो लेकिन एक बात ध्यान देना प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो बंदा करता है वही जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है ठीक है ध्यान देना अच्छे से जिसको नींद आ रही है उठो और थोड़ा सा मुंह धो लो और जाके फिर आ जाओ यहाँ पर मुंह धोने के बाद ठीक है ध्यान देना अच्छे से अमन विश्वकर्मा कहता है सर मैं आपके साथ लास्ट तक रहूंगा क्या बात है यार बहुत बढ़िया और भाई इस वीडियो को मेहनत से देखो जो बंदा रात रात पढ़ाई करता है जीवन में वही आगे बढ़ता है अब मुझे समझा कि जितने लोगों को इनको नींद आ रही है ना ये सब के सब ना ये सब के सब अपने को धोखा दे रहे हैं अपने मम्मी पापा को भी धोखा दे रहे हैं क्योंकि ट्वेल्थ का बच्चा जब मैं खुद ट्वेल्थ में था गॉड नाइन्टी थ्री इन ट्वेल्थ और जब मैं खुद ट्वेल्थ में था तो मैं एक एक बजे रात तक पढ़ता था तब जाके मेरा सिलेबस खत्म हुआ था तब जाके मेरा सिलेबस खत्म हुआ था समझा मैं क्या कह रहा हूं और तुम लोग दो दो घंटे पढ़ाई करके कैसे ट्वेल्थ में टॉप करोगे रे और तुम लोग बाद में मुझे कहते मुझसे याद नहीं होता अब मैं समझा कि तुम्हारी मेन प्रॉब्लम क्या है अरे साला तुम मेहनत नहीं करते हो यार आलसी बंदे कहीं के मेहनत करते नहीं हो जीरो मेहनत करते हो और बाद में कहते हो कि हमको याद नहीं होता हमको भूल जाती है चीजें चुप बाने बाजो तुम लोग एक नंबर के मैं समझ गया आज के बाद में तुम मैं बिल्कुल समझ गया चलो ठीक है तो यहां तक की बातें याद रखना इसको डिवीजन कर लो कितना आंसर आता है देख लेना तुम लोग सभी लोग चलो मैंने जो मेथड बताया है वो मेथड परफेक्ट है लॉग का अगर कैलकुलेशन प्लस माइनस थोड़ा बहुत इधर होता है तो तुम लोग भी देख लिया करना चलो अब हम बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब बड़ा क्वेश्चन की तरफ चलो रूट वैल्यू रूट कैसे निकालते हैं वो बताऊं लॉग से चल बेटा रूट निकालना सिखाऊं क्या जल्दी बोल रूट निकालना सिखाऊं आप डिवीजन भी बता दिया मल्टीप्लीकेशन बता दिया अब रूट निकालना सिखाता हूं बोलो जल्दी रूट निकालना सिखाऊं क्या चलो रूट निकालना सिखाता हूं रूट निकालना सिखाता हूं अब सिखाता हूं। पहला क्वेश्चन अरे भाई चंद्रा गाना लगाया है चलो देखो पे रूट निकालना सिखाऊं चलो रूट निकालना झटके में तो मान लो भाई रूट में रूट में यहां देखो अच्छे से जीरो पॉइंट फोर सेवन वन टू तुम मुझे कोई भी नंबर चलो तुम लोग दो मैं अपने से नंबर नहीं लूंगा तुम लोग नंबर दो मेरे को रूट में कोई भी चलो मैं पहले मैं एक ले लेता हूं फिर तुम लोग बाद में देना जीरो पॉइंट फोर सिक्स फोर सेवन वन टू इसका रूट निकालने का है हेलो बेटा हेलो बेटा जी बेटा जी मैंने यहां पे कोई नंबर लिखा आपको दिख रहा है इसका हम रूट निकालने जा रहे हैं ठीक है बेटा चलो इसका रूट निकालने अपन जा रहे हैं ठीक है देखो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो प्लीज यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यही होता है ना जीरो समझा यहां तक समझा सबको जल्दी बताओ यहां तक समझा सबको यहां तक समझा क्या ये कैसे आया वन अपॉइंट टू कैसे आया कभी भी रूट रहता है ना उसको वन अपॉइंट टू में लिख सकते हो कुछ नहीं तो यहाँ टू होता है कुछ नहीं तो यहाँ टू होता है ध्यान रखने का इतना ठीक है वही वन अपॉइंट टू यहां चला गया क्लियर चलो आगे बढ़ो अब क्या करोगे अब क्या करोगे अब इसको लॉक दे दो जब तुम इसको लॉक दे दोगे तो जीरो पॉइंट फोर सेवन वन टू रेस टू वन बाय टू है जो ये लॉक की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ये वन बाय टू होता है ये यहां पे आ जाएगा तो लॉक क्या बचा जीरो पॉइंट फोर सेवन वन टू बचा अपने को लॉक देना पड़ता है ना समझा कि नहीं समझा तो अपने को क्या मिल गया गया ऐसे आ कुछ ये आ गया और ये वन बाई टू साइड में आ गया याद है कि नहीं याद है जब अपने लॉक की प्रॉपर्टी होती है ये ये कभी भी इधर इधर खींच के ला देता है वो। ये याद है वो याद आप लोग को बैटरी फोन पे चार्ज लगा दो सब लोग चलो यहाँ तक समझ गया कि नहीं समझ गया क्या कह रहा हूं मैं यहां तक याद है चलो आगे बढ़ते हैं अब क्या करेंगे अपन अब इसका लॉग देखेंगे अब तो वही अपना मेन सेम टू सेम पॉइंट के पहले क्या है जीरो है वन बाय टू वैसे ही लिखो और ये वन बार आ जाएगा और फोर्टी सेवन का वन का टू देखो लॉग में लॉग में क्या देखोगे फोर्टी सेवन के वन का टू तो फोर्टी सेवन के वन का टू किधर है फोर्टी सेवन इधर है इधर है वन का टू फोर्टी सेवन का वन इधर है वन इधर है वन इधर है इधर है One. One का टू. Two mean difference. Two mean difference. टू मीन डिफरेंस ये यहाँ पे है तो मतलब इधर और ये इधर तो सिक्स सेवन थ्री जीरो प्लस ये टू आया टू तो टू थ्री सेवन सिक्स ठीक है कितना आ गया वैल्यू यहाँ पे मेरे को पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टू आ गया चलो यहां तक समझ गया सब बच्चों को सिक्स सेवन थ्री टू मेरे को वैल्यू आ गई यहां तक समझ गया सब बच्चों को बहुत बढ़िया यार दीपिका अक्षता रानी सबने बहुत अच्छा इसका लॉग बताया चलो अब हम इसके आगे क्या करेंगे अब हम इसके आगे क्या करेंगे बेटा एक बात ध्यान देना अच्छे से अब मैं मेन जो सिखाने जा रहा हूं इस पर थोड़ा आप सब फोकस करना कभी भी ना एक बात ध्यान दो जो मैं बताने जा रहा हूं कभी भी ऐसा अगर वन बार सिक्स सेवन थ्री टू दिया है ना और देखो यहाँ पे अपॉन में टू दिया हुआ है इस टू को इतना जल्दी तुम इससे डिवाइड नहीं कर सकते हो कभी भी जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ जल्दी बताओ यहाँ पे लेशन कभी भी यहाँ पे बार रहेगा ना ऐसा तुम इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते हो समझा कि नहीं समझा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं यही रूट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रूट निकालना सबसे आसान है लेकिन प्रॉब्लम यही होती है ना यार कि ये जो बार है ना यही सॉल्व नहीं होता सबसे बाकी तो बहुत आसान है रूट निकालना रूट निकालने जितना चिंदी कोई है ही नहीं बट बच्चे अटकते हैं यहीं पे तो इसको कैसे मैनेज करना होता है मैं तुमको वही सिखाने जा रहा हूं तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना इधर बार रहेगा तो कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना होता है वो अपने हिसाब से चलता है अपने हिसाब से हम कितना भी कर सकते हैं इट्स आवर चॉइस चॉइस हमारी choice होती है इसमें किसी के पापा का राज नहीं चलता है तो टू डिवाइड हो जाएगा तो क्या करने का जरा यहाँ ध्यान दो सभी लोग क्या करोगे तुम सब लोग यहाँ पे सब बच्चे ध्यान देना ये वन बाई टू वैसे ही रहेगा क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते वन बार प्लस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टू ऐसा लिख सकते क्या मतलब तो वही हुआ ना ये वन बार इससे एड होगा तो वही वैल्यू हमको आ जाएगी ना वापस से तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तुम लोग जल्दी मुझे बताओ क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो बोलो हां लिख सकते हैं चलो यहां तक लिख लिया अब बेटा ध्यान देना अगर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो तो तुम बहुत आसान तरीके से वहां के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अब ये वन बाई टू है तो कभी भी एक बात लाइफ में याद रखो कभी भी लाइफ में याद रखो कि कुछ ऐसा नंबर लिखने का कुछ ऐसा नंबर बेटा ध्यान दे क्या कह रहा हूं मैं मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो यहां पे उसको ध्यान से सुन लो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं बेटा ऐसा नंबर लिखना होता है कि जो टू से डायरेक्ट डिवाइड हो जाए मतलब टू से डिवाइड हो जाए मतलब तुमको दिमाग में बहुत सोचना पड़ेगा यहां पर ध्यान दो अच्छे से अगर जैसे वन बार है तो ऐसा क्या करूं कि ये वन बार टू बार बन जाए बेटा ध्यान दे क्या कह रहा हूं मैं ऐसा कितना ऐड करूं कि ये वन बार टू बार टू से कट जाए ये वन बार अपने आप टू बन जाए तभी ना टू से इसको काट पाऊंगा मैं कुछ ऐसा सोच क्या सोचेगा ये वन के साथ क्या ऐड करूं कि ये टू से कट जाए सीधा मतलब कि ऊपर मेरे को टू बार रहेगा नीचे टू तभी ना कट के वन बार बनेगा कटेगा ये तो मतलब इसका मतलब ये है कि वन बार में अगर मैं वन बार एड करता हूं वन बार में अगर मैं वन बार एड करता हूं तो माइनस वन माइनस वन कितना होता है माइनस टू मतलब टू बार मतलब प्लस माइनस वन करना पड़ेगा समझा कि नहीं समझा एक दो क्वेश्चन ऐसे तब तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो यहाँ पे वन बार है प्लस वन और यहाँ पे क्या करोगे ध्यान दो अच्छे से जरा वन बार और प्लस वन क्यों बेटा ऐसा ये तो पहले से था और जो ये वाली जो बात है ये वाला जो है ये हमने माइनस वन और प्लस वन किया ना माइनस तो वन प्लस वन का कोई मतलब होता है ना ये जीरो ही है वो प्लस वन माइनस वन किया ना? वन बार मतलब माइनस होता है समझा ना और प्लस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टू ये तो वैसे ही आ जाएगा अब हम क्या करेंगे प्लस और ये वन इसके साथ मिलके थ्री टू हो जाएगा अब बोलो बेटा ये डिवाइड कर सकते हो ना तो ये जब ये टू से ये डिवाइड होगा तो ये वन बार बचेगा और प्लस वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टू बाय टू समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं समझा अब इसको डिवाइड कर लो फटाफट तो सिक्स सेवन थ्री टू इसको साइड में कहीं भी डिवाइड मार लो तो एट सिक्सटीन जीरो जीरो सिक्स जा टी सिक्स सिक्स अब जिसको डिवीजन भी नहीं आता तो वो तो भजन करो के इतना डिवीजन तो आना चाहिए ठीक है यहां पे क्या है वन बार ये क्या मिल जाएगा अपने को वन बार एट थ्री सिक्स सिक्स अब इसका एंटीलॉग देख लो एंटीलॉग देख बेटा इसका एटी थ्री के सिक्स का सिक्स का एंटीलॉग देख लेट्टी सिक्स के थ्री एटी थ्री के सिक्स का सिक्स का एंटीलॉग देख लो नहीं समझा मैं समझाता हूँ रुको फिर से समझाऊंगा पहले एट्टी थ्री का सिक्स का सिक्स का एंटीलॉग देखो फिर बताऊंगा क्यों टेंशन ले रहे हो के एस का सिक्स एट्टी थ्री इधर है और सिक्स इधर है सिक्स का सिक्स इधर है ठीक है ये वैल्यू आई ठीक है सिक्स एट फाइव फाइव प्लस नाइन ठीक है तो नौ पांच कितना होता है चौदह पांच एक एट एट सिक्स, सिक्स सिक्स फोर तो सिक्स एट सिक्स फोर आया सिक्स एट सिक्स फोर पॉइंट इंटू टेन रेस टू माइनस वन जीरो पॉइंट सिक्स एट सिक्स फोर दिस इज दी रूट ये तुम्हारा फाइनल आंसर है टन ना टन ना ज्यादा ही बड़ा हो गया ना कोई ना समझा अच्छे से जीरो पॉइंट सिक्स एट सिक्सर है समझा अच्छे अच्छे से से ये इसका रूट देख लो यहां पे दिखा दिया छोटा करके समझ गया अच्छे से चलो अब मैं इसको रिपीट करूंगा देखो बच्चों एक बात बताओ तुमको बताओ प्रॉब्लम कहां पर आई है तुमको प्रॉब्लम ना इसके बाद से शुरू हुई है प्रॉब्लम इसके बाद से शुरू हुई है यहां पर यहां पे प्रॉब्लम आई है इतना ही नहीं समझा बाकी सब तो सेम ही मेथड है लॉग देख के एंटी लॉग निकालना इतना ही तो नहीं समझा है बस तुमको बस इतना ही नहीं समझा है बाकी सब समझा है सही बताया ना मैंने क्या बोला समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं सिर्फ इतना ही तुमको नहीं समझा है मुझे मालूम है क्योंकि इसके पहले जीवन में तुमने ये कभी किया नहीं है बाकी तो सब समझा है समझा कि नहीं समझा अब आ जाओ मैं तुमको इतना ही समझा मेरे को पता था इतना ही नहीं समझेगा अब मैं तुमको इसी को चलो समझा के निकलता हूं मैं इसको ही अब समझा देता हूं इतना ही अगर समझा दिया तो रूट एकदम चिंदी हो गया यही तो सबसे हार्ड है कि इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैनेज ही तो नहीं आया तुमको अगर तुमको यही मैनेज करने आ गया, तब तो तुमको सब आ गया चलो आ जाओ बेटा आप इसको समझाते हैं चलो बेटा यहां देखो अगर मान लो नोट कर लो देखो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिद्धत से अगर मान लो वन बाय टू जैसे कि दिया था और वन बार कितना दिया था सिक्स सेवन थ्री टू थ्री टू यही दिया था ना यही क्वेश्चन दिया था ना ध्यान से देखना अच्छे से अब ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कभी भी मैंने तुमको क्या बोला था कि अब हमारे को इसके बाद ये लॉग देखने के बाद आया था अपने को वैल्यू तो मैं इसको टू फी फीदा काट दूंगा और जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग दिखूंगा तो मेरा मेन आंसर आ गया ना समझा कि नहीं समझा लेकिन जो ये बार दिया हुआ है ना इसके ऊपर

यहाँ पे बार है क्या नहीं यहाँ पे ऐसा नंबर मैंने बनाया जब मैंने ऐसा नंबर बनाया तब जाके देखो कुछ तो इसमें एडजस्टमेंट किया इस नंबर में ऐसा एडजस्टमेंट किया कि यहाँ पे बार गायब हो गया और जब बार गायब होगा देखो मैंने टू से काट दिया लेकिन ऐसा बार बनाओ ऐसा ऐसा मतलब कट करो कि जो ये टू बार है यहाँ पे ये टू बार नीचे के टू से मैच खाए अब अगर ऊपर तीन बार आ गया नीचे टू है तो टू से थ्री कभी कटता है क्या तो ये टू बार टू से कटना चाहिए ऐसा भी एडजस्टमेंट करने का बच्चों ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं एडजस्टमेंट ऐसा हो कि जिससे डिवाइड करना है वो उधर होना भी चाहिए ऐसा नहीं कि इधर इधर पे थ्री बार ला दिया इधर कुछ भी एडजस्ट कर दिया ऐसे नहीं चलेगा इधर कुछ भी एडजस्टमेंट कर दिया यहां थ्री बार ला दिया ऐसा नहीं चलेगा यहां पे टू है तो इधर भी टू बार आना चाहिए एडजस्टमेंट करने के बाद और इधर भी बार गायब होना चाहिए ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा समझा ना और ये बहुत आसान है कभी भी ना वन बार प्लस और वन माइनस करने का हमेशा सेम आंसर परफेक्ट आता है कोई लपड़ा नहीं होता कभी भी चलो अब देखो क्या करोगे ऐसे केस में अब ऐसे केस में क्या करोगे चलो देखो अब ऐसे केस में एक ही है कि पहले कभी भी वन बाई टू है ये वन बार को साइड में लो और प्लस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टू लिख दो इसको मतलब बार को अलग कर दिया ये बार को अलग कर दिया इस नंबर को अलग कर दिया ये तो समझाना अच्छे सब बच्चों को यहां तक कोई डाउट है चलो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से प्लीज लिशन केयरफुली साहिल पवार कहता है जब दो बार दो बार कैंसिल हुआ तो वो दो बार कैसे आया अरे निर्बुद्धि आदमी साहिल पवार सही में गांव से आए हो क्या देखो यहाँ पे इधर बीच में प्लस है अब इतना भी नहीं पता अगर ए प्लस बी है और अपॉन टू है तो ये टू a बाय टू और ये टू b के पास भी जाता है रे कौन से गांव से आया है दोनों के पास जाता है वो तो अगर ये टू बार इसके साथ गया तो ये टू नीचे वाला इसके साथ भी आएगा ना क्या यार ये टू अगर इस टू के साथ गया तो ये टू इसके साथ भी आएगा ना समझा तो ये और ये दोनों अलग अलग कटेंगे ना ये तो अपन आठवीं में सीखते हैं यार इतना इतना वीक हो तुम ये नहीं सोचा था मैंने ठीक है चलो कोई ना अब यहाँ देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने वो अच्छी चीज है पहले नहीं आया तो अब तो आ गया ना है ना साहिल ठीक है ना टेंशन मत लो पहले नहीं आया तो अभी तो आ गया ना तुमको टेंशन है ना सही है साहिल बवार पहले नहीं आता था तुमने क्वेश्चन पूछा कितनी अच्छी बात है तुमको अब आ गया कि नहीं आ गया ये अच्छी बात होती है क्वेश्चन पूछन पूछना जरूरी है चलो यहां देखो अब 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 हमने ऐसा ऐसा कर लिया अब क्या करूंगा मैं कि कि इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट करूं कि ये वन बार जो है कट जाए अब देखो मेरा एक ही चीज है कि अब तो मैं टू से इसको काट सकता हूं लेकिन जो ये वन बार है ना ये टू से नहीं कटता है अब वन बार अपॉन टू है तो ये कभी कटेगा नहीं कटेगा मतलब इस वन बार को मुझे टू बनाना पड़ेगा टू बार तब जाके ये टू से कटेगा ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा मैं यहां पे वन बार है अब क्या करूंगा प्लस वन और माइनस वन कर देता हूं और प्लस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टू तो हाई है समझाना यह माइनस वन का मतलब होता है बारह ध्यान देना अच्छे से चलो तो अब मैं क्या करूंगा ये माइनस वन और ये माइनस वन दोनों मिलकर टू माइनस हो गया और ये प्लस वन प्लस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टू

ये क्या आ जाएगा पॉइंट एट थ्री सिक्स सिक्स आ गया ऐसे आ जाएगा अब इसका एंटी लॉग देखो जो भी आंसर आया वो आपका आंसर है समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं सबको क्लियर है चलो एक और एग्जांपल लेता हूं अब एक और एग्जांपल लेता हूं ना भाई अब एक और एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे लिए मान लो बेटा यही क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है देखो अच्छे से वन बार और सिक्स सेवन थ्री टू है सिक्स सेवन थ्री टू है लेकिन यहां वन अपॉइंट थ्री आ गया तो क्या करेगा यहां अगर वन अपॉइंट थ्री आ गया तो क्या करेगा अब तो तुमको समझना चाहिए ठीक है अगर मान लो यहां पे upon आ गया तब क्या करोगे तब कुछ नहीं करोगे यहां पे वन बार और प्लस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टू थ्री टू अब क्या करोगे थ्री से एडजस्टमेंट करोगे थ्री से एडजस्टमेंट करोगे तो देख बेटा यहां पे माइनस वन तो पहले से ही है अब इस माइनस वन में ऐसा कितना तुम करेगा या, सबस्टेट की या नीचे तीन, है ना, तीन बन जाए तो जब मैं माइनस टू करूंगा तभी ना माइनस वन माइनस टू तीन होता है समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं देख फिर से तेरे को समझाता हूं ध्यान देना यहां माइनस वन है और ये तीन है तो ये ऐसा क्या करूं कि जो माइनस वन है मेरा यहां पे क्या ऐसा ऐड करूं कि यहां पे टोटल यह आंसर मेरा माइनस तीन आए तो माइनस टू करना पड़ेगा ना तो मतलब कि वन बार है तो प्लस टू और माइनस टू करना पड़ेगा और प्लस जीरो निकलते हैं तो यहां पे one by three और ये ये और, टू।, तीन बार और जो टू है ये टू सिक्स सेवन थ्री टू हो गया यहाँ पे अब काट दे बेटा इसको थ्री बार अपॉन थ्री प्लस टू पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टू बाय टू अब क्या करेगा ये ये कट जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा ये वन बार प्लस इसको डिवाइड मार इधर तो तीन है ना सॉरी तीन से डिवाइड इसको जो भी आंसर आएगा वो तेरा आंसर है सामने अब समझा अब तो पक्का समझा होगा किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा एक और क्वेश्चन लू इसी में।, इसी में इसी में एक और लू क्या चल आ जाए एक और लेता हूं समझना जरूरी है यार चल एक और लेता हूं इसी में ठीक है एक और लेता हूं देखो यहां पे मान लो वन बाय फोर है और यहां पे टू बार है पॉइंट 813 मतलब 8124 ऐसा कुछ भी नंबर दिया है इसको कैसे सॉल्व करोगे तो 1/4 2 बार प्लस 0.8124 लिख दिया अब देखो यहां पे अब क्या करोगे कि इधर चार है इधर 2 बार है तो ये मतलब -2 है तो ऐसा -2 में क्या ऐड करोगे कि ये चार बन जाए तो -2 करोगे तब जाके ये -4 बनेगा मतलब कि चार बार बनेगा समझा अच्छे से तो इसका मतलब 1/4 और ये 2 बार है, तो इसमें प्लस टू और माइनस टू करना पड़ेगा समझा अच्छे से और ये जीरो पॉइंट एट वन टू फोर आ गया तो आप देखो यहां पे क्या करोगे ये टू बार और ये माइनस टू मिल करके क्या बना देंगे ये क्या बना देंगे चार बार बना देंगे और ये प्लस टू तो है ही है ये साइड में आ गया समझा देखो ये और ये मिलके देखो यहां पे चार बार आ गया और ये टू और ये तो है ही वन बाय फोर यहां पर लिख दो साइड में ध्यान देना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं ठीक है अब यहां पे क्या आएगा वन बाय फोर ये फोर बार अपॉन फोर ये वाला ठीक है ये वाला जो है और ये टू इसके साथ मिलेगा तो ये बीच वाला जो प्लस है यहां पर आएगा और ये टू पॉइंट एट वन टू फोर डिवाइड बाई इधर भी फोर अब इसको कैलकुलेट कर लो और ये कट के तो वन बार ही देने वाला है समझा बच्चों किसी बच्चे को कोई भी डाउट है इधर पे जल्दी बताओ किसी बच्चे को कोई भी डाउट क्लियर हुआ ये फंडा बोला था ना ये क्लियर करके दूंगा क्लियर कर दिया ना अब फोड़ दो एकदम कोई डाउट है क्या जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्लियर हो गया फंडा अरे चलते रहेगा लेक्चर जब तक सबको क्लियर नहीं हो जाएगा क्लियर हो गया ना अब तो क्लियर हुआ रही भाई अभी भी नहीं क्लियर हुआ ना सॉल्व करना ये, ये रूट सॉल्व करने अभी भी नहीं आया ना तब तो तुम लोग को क्या ही बोलू मैं अब जल्दी बताओ बोलो फटाफट हाँ प्यारे भैया क्या बात है अमन वाओ चलो क्लियर हुआ अच्छे से बोलो जल्दी क्लियर है लोकेश चौधरी कहता है भाऊ मी तुम्हारा सोबत है क्या बात है सबको क्लियर चलो अब आगे निकल अरे भाई मैं मुंबई में रहता हूँ मेरे लिए अभी साढ़े ग्यारह बजे कुछ नहीं है हमारे यहाँ एक एक बजे रात तक सब जागते हैं समझा बच्चों मैं तुम्हारे लिए हार्डवर्क कर तुम लोग गांव में रहोगे तो गांव के बच्चे जल्दी सो जाते हैं यही तो रीजन है कि गांव के बच्चे फिर जल्दी टॉप भी नहीं करते शहर के बच्चे क्यों आगे बढ़ते हैं गांव के बच्चे गांव वाले रहते हैं क्यों यही रीजन है ना कि गांव के बच्चे मेहनत नहीं करते गांव के बच्चे फिजिकल मेहनत करते हैं मेंटल मेहनत नहीं करते समझा चलो अब एक अब मेन क्वेश्चन लू क्या अब बोल बेटा अब मेन क्वेश्चन उठाऊ मेन क्वेश्चन एक और क्वेश्चन उठाऊ क्या एक और क्वेश्चन उठाऊं अब चल एक क्वेश्चन लेता हूं ठीक है चलो देखो अच्छे से मान लो यहां पे दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो रूट निकालने बोल दिया तो कैसे निकालोगे चल बेटा ध्यान देना अच्छे से बुद्धि लगाने का बुद्धि अपनी जरूरी है बुद्धि लगाने नहीं आया तो फिर भजन करने का बुद्धि लगाने आना जरूरी होता है दिमाग लगाने नहीं आएगा तब तो तुम फिर गए काम से समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं दिमाग लगाने बहुत आना जरूरी है ठीक है क्लियर मैं जो कह रहा हूं बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है समझ में आ रही ना चलो ध्यान दो अच्छे से अब यहां पे तो क्या करेंगे इस पे कि सबसे पहले इसका लॉग लॉग ले लो तो ऑफ चलो तो अब क्या करेंगे इसको कि जीरो पॉइंट जीरो वन टू फोर का पावर वन बाय टू लॉग का मतलब ये रूट का मतलब यही होता है कि यहां पे वन बाय टू आ गया चलो आगे क्या करेंगे वन बाय टू को साइड में ले लिया और यहां पे क्या आ जाएगा लॉग जीरो पॉइंट जीरो वन टू फोर अब इसका लॉग देखेंगे तो पॉइंट इधर भी जीरो इधर भी जीरो तो क्या आ वन बाय टू ब्रैकेट में यहां पे दो जीरो मतलब दो बार और ट्वेल्व का फोर देखेंगे ट्वेल्व का फोर ट्वेल्व का फोर देखेंगे क्या देखेंगे ट्वेल्व का फोर देखेंगे लॉग में ट्वेल्व का फोर देखेंगे ट्वेल्व किधर है ट्वेल्व इधर है ट्वेल्व का फोर इधर है इधर है जीरो नाइन थ्री फोर जीरो नाइन जीरो नाइन थ्री फोर आया जीरो नाइन थ्री फोर आया जीरो नाइन थ्री फोर आया चल बेटा देखो वही चीज आ गई कि नहीं आ गई बोल मेरी जान वही चीज आ गई कि नहीं आ गई अब इसको कैसे सॉल्व करेगा चल तुम करके दिखाओ अरे तुम लोग करके दिखाओ ना तुम लोग करके दिखाओ रे पाप लगेगा नहीं करोगे वन बाय टू टू बार को साइड में ले लिया जीरो यहां पे ध्यान दो अच्छे से और ये क्या हो जाएगा जीरो नाइन थ्री फोर अलग हो गया समझा अच्छा इसको 0. ऐसा करके लेने का 0.0934 अलग हो गया समझा अच्छे से चलो अब इसको क्या करोगे भाई ये तो पहले से ही टू बार है हाँ मेरी जान ये तो पहले से ही 2 बार है इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है मेरी जान तो टू बार अपॉन टू और ये 0.0934 अपॉन टू हो गया इसमें तो पहले से ही हमारा ये 2 है समझा कि नहीं समझा आ, इसमें तो पहले से ही दिया है टू बार फिक्स है अरे नीचे भी टू इधर पहले से टू दिया हुआ है अगर बेटा मान ले फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं अगर मान ले इधर वन बाई टू है और यहां थ्री बार होता और प्लस जीरो पॉइंट नाइन थ्री फोर होता अब तुम क्या करते बच्चू क्या करते यहां पे टू है यहां थ्री है तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना तो क्या करना पड़ता फिर यहां पे ऐसा तुम क्या करते कि तीन बार में ऐसा क्या करते कि ये यहाँ टू आ जाए मतलब कि ये जो थ्री है ये भी टू बन जाए तो मतलब कि मैं क्या करता प्लस वन माइनस वन करता प्लस वन माइनस वन तो ये थ्री बार जो है माइनस थ्री होता है और ये प्लस वन मतलब टू बार और ये माइनस वन को दे देता इसके साथ ऐसे करता समझा चलो वैसे ऐसा कभी होता ही नहीं वो क्वेश्चन जो होता है ना परफेक्ट क्वेश्चन ही आता है कभी भी हमेशा कभी भी क्वेश्चन ना अपने से परफेक्ट ही आता है रॉन्ग नहीं आता कभी चलो अब इसको डिवाइड कर लो फटाफट जीरो पॉइंट जीरो नाइन थ्री फोर इसको डिवाइड कर लो तो एक काम करते हैं तो इसको अब और डिवाइड काटो पूरा इसको पहले तो नाइन थ्री फोर ऐसा कट करो टू से तो कट करोगे तो कितना आएगा फोर जा एट वन थ्री और सिक्स जा ट्वेल्व वन फोर सेवन जा कितना है वन टू थ्री वन टू थ्री फोर जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स सेवन आएगा क्योंकि देखो ना यहाँ पे चार डिजिट के बाद जीरो है ना चार डिजिट के बाद तो तो ये डिवीजन तुमको यहाँ पे इतना आया तो एक दो तीन और एक और जीरो पे ऐसे लगाएंगे जीरो पॉइंट जीरो ऐसा आएगा यहाँ पे एक और जीरो चार डिजिट के बाद है। और इसको तो क्या मिलेगा तो ये वन बार मिल जाएगा तो क्या आएगा वन बार पॉइंट जीरो फोर सिक्स सेवन इसका एंटीलॉक देखो फटाक से जीरो फोर का सिक्स का सेवन देखो जीरो फोर का सिक्स का सेवन देखो जीरो फोर का सिक्स का सेवन जीरो फोर का सिक्स का सेवन कितना आया वन 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 टू और टू मतलब वन 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 फोर आया तो कितना आएगा वन 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 फोर तो आप क्या करोगे इसमें ट्रिक अपना क्या था पॉइंट लगाने का और टेन रेस्ट माइनस वन वाँन कर देने का मतलब जीरो पॉइंट वन 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 फोर दिस इज फाइनल आंसर ये भी फाइनल आंसर है कोई मार्क्स काट नहीं सकता समझा अच्छे से ये रूट आ गया तुम्हारा सॉल्व हो गया रूट देख लो सब लोग कैसे निकला समझा किसी बच्चे को कोई भी डाउट है कितना इजी है ना रूट निकालना बोलो समझा कि नहीं समझा बोलो फटाफट रूट निकालने आ गया सबको किसी बच्चे को कोई भी डाउट है यहाँ पे बोलो किसी को कोई डाउट अरे डाउट है क्या नींद आ रही है वो बात की बात है जिसको सोना है सो जाओ ना मना किया है क्या मैंने जिसको देखना है वो बताओ समझा क्या जब सारे बच्चे भाग जाएंगे मेरा कैलकुलेशन करते रहूंगा मैं मैं तब तक समझाते रहूंगा जब तक बच्चों को समझते रहेगा जिसको नींद जिसकु नीत भाग जाओ चादर उड़ के सो जाओ चादर के अंदर क्या करोगे तुम जानो <laughs> मोबाइल खेल के मोबाइल चालू करके कुछ भी करोगे वो चलता है एक एक बजे रात तक वीडियो देखते हो मैं नहीं जानता हूँ क्या मोबाइल में वीडियो देखते हो तुम लोग मैंने सुना तुम्हारे हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी क्रोम ब्राउजर की क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी लगता है अभी पक्का तुम लोग वीडियो देखते हो मालूम है मेरे को हाँ एक एक बजे रात तक अरे पढ़ाई के टाइम पे ये वीडियो नहीं देखोगे अब बाकी वीडियो क्रोम का हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा अभी अभी रुक जाओ तुम्हारा एक बार कांटेक्ट नंबर मिलेगा ना फिर मैं हैकर बंदा बन के तुम्हारा चेक करूंगा अभी फिर मैं देखता हूँ क्या सर्च करते हो तुम लोग हाँ <laughs> मालूम है मेरे को जो जो तुम देखते हो इधर उधर से आवाज आती है फिर कभी चादर उखाड़ के किसी ने देखा ना तो बहुत कुछ मिलेगा अंदर मोबाइल में कुछ और तुम कुछ और <laughs> चलो अब यहाँ ध्यान दो ठीक है बेटा स्क्वायर रूट टेबल बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलता है सिर्फ लॉग और एंटी लॉग मिलता है बोर्ड एग्जाम में स्क्वायर रूट टेबल रेसिप्रोकल टेबल ये सब बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलता है सिर्फ और सिर्फ लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम का टेबल ही बोर्ड एग्जाम में मिलता है इसीलिए इस तरीके से सिखा रहा हूँ वरना मेरे को पागल कुत्ते ने थोड़ी काट रखा है कि नहीं सिखाऊंगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन लेता हूँ ठीक है अब क्यूब रूट लेता हूँ क्यूब रूट अब क्यूब रूट है क्यूब रूट बहुत हुआ स्क्वायर रूट अब क्यूब रूट रहता है जब तक ना मिले आशिक की नजर आशिक की नजर धार अधूरा रहता है अलगियां से दिल बहका चलो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे यहां देखो तो लॉग थ्री थ्री टू वन टू लॉग दे बस लॉग लिखने का तुम्हारा आइडिया है भाई वो तो चिंदी चीज है अब यहाँ क्या करेंगे थ्री टू वन टू और ये वन बाय थ्री हो जाएगा क्योंकि वहां पे थ्री पावर में दे दिया मैंने पहले अब वन बाय थ्री को साइड में ले लो और ये क्या आ जाएगा लॉग थ्री टू वन टू चलो अब इसका लॉग कैसे देखोगे वन बाय थ्री ब्रैकेट पॉइंट के पहले दो डिजिटल दो माइनस वन यहां पे वन आ जाएगा थर्टी टू का वन का टू देखो थर्टी टू का वन का टू थर्टी टू का वन का टू थर्टी टू का वन का टू मेन डिफरेंस तो क्या आएगा फाइव जीरो सिक्स फाइव और थ्री तो फाइव जीरो सिक्स फाइव और थ्री आठ सिक्स जीरो फाइव तो कितना आ गया फाइव जीरो सिक्स एट समझा अच्छे से चलो अब ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा अच्छा तीन है नीचे भाई यहां थ्री है यहाँ थ्री है मैंने टू लिख दिया था थ्री है ठीक है चलो अभी तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा वन फाइव जीरो सिक्स एट डिवाइड बाय थ्री कोई बार है ही नहीं जब कोई बार है ही नहीं तो डायरेक्टली कट कर दो ना वन बाय थ्री आएगा वन बाई टू गलती से लिख दिया था भाई उतना तो हो जाता है ना यार तो यहां पे डायरेक्टली कट जाएगा ये ये तो डायरेक्टली कट जाएगा समझा कि नहीं समझा क्या कह रहा हूँ मैं ये डायरेक्टली कट जाएगा तो इसको डायरेक्टली काट दो वन फाइव जीरो सिक्स एट देखो कभी भी काटने के लिए क्या करने का इसको डाइट डिवाइड करो ये पॉइंट को कंसिडर मत करो जब जो जब तुम्हारा आंसर आएगा ना तो एक दो तीन चार डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया करो बस आंसर परफेक्ट हो जाएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन जीरो 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 यहाँ पे एक और आएगा जीरो सिक्स थ्री टू जा सिक्स जीरो एट थ्री टू जा सिक्स टू पॉइंट थ्री सिक्स जा चलो अब यहाँ पे कितने डिजिट में पॉइंट है एटीन अब तो ये आते ही जाएगा तो आगे सॉल्व मत करो इतना ही छोड़ दो यहीं पर फाइव जीरो जीरो पॉइंट फाइव जीरो टू टू और सिक्स कि तो 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 को राउंड फिगर कर दो तो ये थ्री बन जाएगा समझा अच्छे से अब इसका लॉग देख लो तो लॉग देखोगे तो क्या मिलेगा फिफ्टी के टू का थ्री देखो फिफ्टी के टू का थ्री फिफ्टी के टू का थ्री देखो फिफ्टी के टू का थ्री फिफ्टी इधर है फिफ्टी के टू का थ्री फिफ्टी का टू इधर है और थ्री इधर है तो कितना आया? थ्री वन सेवन सेवन और टू तो नाइन सेवन वन थ्री थ्री वन थ्री वन सेवन नाइन टू टेन रेस टू जीरो अच्छे से इस बात को ध्यान रखना रूट है, है समझ में आया अच्छे से कैसे आंसर आया थ्री पॉइंट वन सेवन नाइन आएगा मेन वाला आंसर क्लियर है किसी को कोई डाउट यहां पर एकदम आसान है कि नहीं आसान है अब चलो मेन वाला क्वेश्चन सोल्व करें क्या बोलती पब्लिक अब मेन क्वेश्चन सोल्व करूं कि नहीं करूं बोलो आप बोला था ना लास्ट में मेन करके दिखाऊंगा देखा मैं जानता था हर बच्चा आप टेंशन में आ गया आप बोलते है, बस हुआ भैया बस हुआ थक <laughs> गए बेचारे सब लोग लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं मजा आया मजा बहुत आया होगा कसम से चलो ठीक है अब मेन वाला क्वेश्चन करें क्यूब निकालने भी आ गया कि नहीं आ गया अब सोचो बच्चों अब तुम ऐसा यहां पे क्यूब रहे फोर्थ रूट रहे सिक्स रूट रहे सेवेंथ रूट रहे एट्थ रूट रहे कुछ भी रहे तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो जल्दी बताओ जल्दी बताओ रेशमा खातिब क्या हुआ मजा नहीं आया रेशमा नहीं समझा तुमको रेशमा तुमको नहीं समझा रेशमा कहती मुझे मजा नहीं आया रेशमा तुम्हें नहीं समझा क्या रेशमा हियर रेशमा तुम्हें नहीं समझा क्या रेशमा नहीं समझा तो तुमको मैं डाउट बताऊंगा ना तुमको नहीं समझा तो बाकी नाइन्टी नाइन परसेंट बच्चों को समझ गया तुमको नहीं समझा रेशमा तुम शुरू से हो कि नहीं हो लेक्चर में रेशमा अगर तुम शुरू से नहीं हो तुम्हें कैसे समझेगा और फोकस नहीं रहेगा तो कैसे समझेगा क्योंकि मेरे को खुद पर बिलीव है मैंने इतना डिटेल में बताया कि अगर तुमने शुरू से अभी तक देखा ना अच्छे से सबका करेक्ट आएगा मजा आया ना चलो ठीक है अब मेन वाला क्वेश्चन पे आ जाओ लास्ट क्वेश्चन मेन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करके जाते हैं चल बेटा अब इसको करेंगे हाँ मेरी जान ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे मेरी जान चलो अब इस क्वेश्चन को फोड़ेंगे चलो शुरू करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जल्दी बोलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आर यू रेडी गाइस कितने लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी हो? चलो मैंने खाली पेजेस भी ले लिए कितने लोग रेडी हो इस क्वेश्चन के लिए चलो मजा आएगा इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने में लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप साइकल साइकल मैकल साइकिल चलो, चलो ध्यान दो सबसे पहले लॉग दे दो जब लॉग दोगे तो रूट थ्री जीरो पॉइंट जीरो फोर का स्क्वायर डिवाइड बाय थोड़ा ध्यान देखोगे ना तभी समझेगा वरना थोड़ा भी फोकस गया नजर हटी दुर्घटना घटी चलो ध्यान देने ध्यान देते रहो नजर हटी दुर्घटना घटी तो लॉग दे दिया जब लॉग दिया तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा log का पावर गायब हो जाएगा और यहां पे क्या जीरो पॉइंट अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री ये वन बाय थ्री हो जाएगा ये समझा अच्छे से कैसे आया ये हर बच्चे को समझ में आया ये हर बच्चे को यहां तक समझा किसी को कैसे आया बस लॉग लेना होता है लॉग लिया सब आसान हो जाता है फिर जल्दी बताओ ये क्यूब है यहां वन बाय थ्री ले लिया हो गया अपना काम यहां तक सब बच्चों को समझ गया कैसे चलो आगे बढ़ते हैं अब अपना वही मेन रूल इस वन बाय थ्री को उठा के इधर लेके आ जाओ फिर अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं तो देखो यहाँ पे उठा के ला दिया यहाँ अच्छा ये वन बाय थ्री है ना वन बाय टू क्यों लिख रहा हूं मैं तो यहां पे लॉग आ गया अब देखो अच्छे से अंदर अब अंदर क्या बचा जीरो तक आ गया अब बेटा यहाँ बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा अब दिमाग ये लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं ये लोग अंदर मल्टीप्लाई में है और ये लोग इधर भी जाएगा ये डिवाइड में है चलो तो एक ही बार में लिख देता हूं वन बाय थ्री और ये ब्रैकेट अंदर दे दो और सबसे पहले लॉग क्या है अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो जीरो पॉइंट जीरो वन फोर का स्क्वायर और इस मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है तो यहां पे लॉग और वन पॉइंट फोर थ्री वन का स्क्वायर अब देख बेटा ये ऊपर का काम हो गया ना देख बेटा ऊपर का काम हो गया क्या प्लस के साथ फॉर्मूला अरे बोल भाई चैट में कौन बोलेगा मैं या तुम बोलो ना बेलिया बोलो ना यार तुम लोग क्या गुंडा बनोगे रे बोलो तो वन अपॉइन थ्री और ये ऊपर का काम हो गया ना रह गया नीचे का काम तो अब तुम मुझे बताओ कि लॉग के ऊपर का काम हो गया अब नीचे वाला बचा तो इसको माइनस कर दो ना इधर पे ये देखो माइनस लॉग और अच्छा अब टेन रेस्ट टू ट्वेंटी थ्री का थोड़ा गेम करना पड़ेगा कोई ना उसको छोड़ दो अभी साइड में हटना भाई इधर देखो यहां पे तो लॉग सिक्स पॉइंट जीरो टू टू बस इतना ही रहने दो बेटा ध्यान देना अभी अच्छे से इस ट्वेंटी थ्री को ध्यान नहीं दिया मैंने इस ट्वेंटी थ्री को मैंने छोड़ दिया अभी इस ट्वेंटी थ्री को मैंने अभी छोड़ दिया है एक काम करता हूं इसको ऊपर ले जाता हूं और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी थ्री ना तो यहां पे क्या करता हूं मल्टीप्लाई माइनस ट्वेंटी थ्री कर देता हूं साइड में ये पड़ा रहेगा इसको अपन जब मेन आंसर रहेगा ना तब इसको उठाएंगे अपन ठीक है चलो यहां तक पहुंच गए अपन चलो अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा ध्यान से देखना कि ये टू इधर भी दिया हुआ है ये टू इधर भी मेन क्वेश्चन में टू ही था ना हाँ तो यहां पे देखो ये टू इधर भी दिया हुआ है इसको भी अब सोल्व करना पड़ेगा तो वन बाय थ्री और टू इधर लाना पड़ेगा ये टू इधर उठा के यहां लाओ तो लॉग और अंदर क्या आ गया अब देख बेटा समझ में आया क्या हम पहुंच गए अपने मेन मुद्दे पे और ये ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई में टेन टू माइनस ट्वेंटी थ्री साथ में लेके चलते रहो अब क्या करेंगे अब यहां पे वन बाय थ्री को साइड में लेके रखो और टू अब इसका देखो लॉग तो ये क्या आएगा टू बार ये टू बार होएगा ध्यान देना अच्छे सभी लोग और पॉइंट फोर्टीन का देखो फोर्टीन का फोर्टीन का देखो फोर्टीन फोर्टीन देखो फोर्टीन फोर्टीन इधर है फोर्टीन का जीरो वन फोर सिक्स वन वन फोर सिक्स वन ये हो गया पहला दूसरा टू इन टू अंदर यहां देखो. 14 के थ्री का वन. पॉइंट के बाजू में सिर्फ वन है तो जीरो आएगा और पॉइंट फोर्टीन के थ्री का वन देखो फोर्टीन के थ्री का वन फोर्टीन के थ्री का वन, वन यानी कि वन फाइव फाइव थ्री का थ्री तो यानी कि वन फाइव फाइव सिक्स तुम लोग भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो माइनस अब यहां क्या आएगा ये पॉइंट के पहले एक डिजिट मतलब कि वन और सिक्सटी का टू का टू देखो सिक्सटी का टू का टू देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो सिक्सटी का टू का टू सिक्सटी का टू का टू मतलब ये कि कितना आया यहां सेवन सेवन नाइन सिक्स और ये वन मतलब सेवन सेवन नाइन सेवन तो यहां पे क्या आ जाएगा सेवन सेवन नाइन सेवन ये भी आ गया चलो इसको मेन ब्रैकेट दे दो और ये मल्टीप्लाई में टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी थ्री साइड में लेके रखो चलो आगे बढ़ते हैं अब क्या करोगे वन बाय थ्री और अब इसको सॉल्व करेंगे चलो अब क्या करेंगे इसको अब अपन सॉल्व करेंगे अब ये हमारा मेन वैल्यू सॉल्व होने वाला है चलो लेट्स बिगिन तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करो अंदर टू को पहले इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा टू वन देना अच्छे सब लोग हाँ ये टू वन जाट टू. टू. टू जा कैरी वन, जा वन नाइन वन टू जा टू और टू टू जा फोर तो फोर का बार ऐसे आएगा प्लस इसको भी चलो कैरी करते फटाफट तो ये देखो यहाँ पे ये टू इसके साथ इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करो इसको सिक्स टू जर टैरी वन फाइव टू जे टेन प्लस वन वन कैरी वन फाइव टू जर टेन वन अगेन वन टू जर टू और कैरी वन आएगा थ्री और पॉइंट जीरो माइनस वन पॉइंट सेवन सेवन नाइन सेवन ब्रैकेट टेन रेस टू माइनस टू थ्री यहां तक समझा सबको किसी बच्चे को कोई भी डाउट जल्दी बताओ जीरो पॉइंट सेवन सेवन नाइन किसका बता रहा है कोई सिंचैन किसका था जीरो पॉइंट सेवन सेवन नाइन सर जीरो आएगा कहां पे जीरो आएगा अच्छा हाँ इसका ना ओके 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 थैंक यू थैंक यू ऐसी गलती थोड़ी मोड़ी मेरे से होती है अब कलर ना आप अब परफेक्ट है ओके 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 ओवेस वाई ब्लॉक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यश थैंक यू आयुष थैंक यू अब्दुल थैंक यू एवरीवन थैंक यू शिवम समझा यहाँ पे अभी परफेक्ट है ना सब कुछ अभी सब परफेक्ट है ना हाँ थोड़ा बहुत इतना हो जाता है यार थैंक यू बताने के लिए अभी परफेक्ट है ना सेवन सेवन नाइन सेवन परफेक्ट है अभी सर प्लीज मैथ्स कैलकुलेटर कर दो हाँ हाँ अरे मैथ्स अभी नहीं ले सकता मैं जो बता रहा हूँ चलो अमन विश्वकर्मा अभी परफेक्ट है सब कुछ सब बच्चे एक बार देख लो अभी सब कुछ परफेक्ट है किसी को कोई डाउट बहुत बड़ा कैलकुलेशन है यार बड़ा कैलकुलेशन है और मैंने कोई पहले से प्रिपरेशन थोड़ी करके आता हूँ यहाँ पे मेरे को जो आता है मैं सिखाता हूँ मैं मेरे को जो जो आती चीजें सिखाता हूं ठीक है परफेक्ट है ना चलो तो वो पॉइंट वो वन था वन माइनस वन जीरो होता है मैंने वन ही लिख दिया था वो हो जाता है चलो कोई ना सब कुछ मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लो अभी सब परफेक्ट है ना एकदम मस्त धमाकेदार कोई डाउट यहां पे हाँ परफेक्ट है सब परफेक्ट है चलो अब क्या करेंगे अब जो ये अंदर की वैल्यूज है अंदर की वैल्यूज है इनको आप सॉल्व करेंगे एड सब्सट्रैक्ट जो भी है वही करेंगे तो क्या दिया हुआ है फोर बार पॉइंट टू नाइन टू 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 फिर प्लस है जीरो पॉइंट थ्री वन वन टू पहले ऐड कर लो पहले किसको ऐड कर लो इसको ऐड कर लो ठीक है चलो तो टू टू जा फोर टू वन थ्री नाइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये फोर बार आ गया चलो अब इसको ऐड कर लिया हमने हमने इसको ऐड किया तो ये आ गया अब इसको माइनस कर दो तो इसी में माइनस कर देते हैं क्यों आगे जाएंगे तो माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन कितना आसान हो गया यार अब तो ठीक है यहाँ देखो अभी अब इसको फटाक से माइनस कर दो तो क्या आएगा फोर में से सेवन कभी जाता है नहीं जाता है तो थोड़ा सा क्या करो ये फोर्टीन में से सेवन गायब करोगे तो सेवन आ जाएगा एक दोगे यहाँ पे थर्टीन में से टेन जाएगा अब देखो थोड़ा सा मैं माइनस अलग तरीके से करता हूँ तुम अलग तरीके से करना तुम भी माइनस करना वही वैल्यू आएगी ठीक है तो यहां पे सेवन आएगा अब यहां पे जब टेन हो जाएगा थर्टीन में से टेन गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे यहां पे आ जाएगा फोर एक दिया यहां पे एट और ये बनेगा टू एक दिया ये बनेगा अपना एट सिक्सटीन में से जाएगा एट तो यहां पे कितना आ जाएगा एट ठीक है फिर इसको एक दे दिया तो ये हो जाएगा थ्री बार ये हो जाएगा थ्री बार चलो ये अपने को वैल्यू आ गई तो वन अपॉन थ्री ब्रैकेट के अंदर क्या मिला अपने को थ्री बार थ्री बार पॉइंट एट ब्रैकेट में कैलकुलेट करना ही नहीं है इधर भी थ्री बार है इधर भी थ्री बार है कोई लफड़ा है क्या सभी बच्चों बताओ जल्दी से कोई लफड़ा है क्या चलो कोई लफड़ा ही नहीं है तो क्या आ जाएगा यहां पर ध्यान देना कि थ्री बार अपॉन थ्री प्लस यहाँ पे देखो अभी आगे क्या 3. ऐसे करना इसको. 10 अलग -अलग तो करोगे जीरो पॉइंट एट टू फोर सेवन अपॉन थ्री ऐसे सोल्व करना हो नहीं सकता ये थ्री बार को अलग तो करना पड़ेगा ना थ्री बार को थ्री बार प्लस जीरो पॉइंट एट टू फोर सेवन तो लिखना पड़ेगा ना समझा कि नहीं समझा थ्री बार प्लस जीरो पॉइंट एट टू फोर सेवन इतना तो लिखना पड़ेगा ना है ना तो ये थ्री थ्री बार अपॉन थ्री बार और ये बाकी का बचा हो वैल्यू अपॉन में थ्री समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं वन बार प्लस जीरो पॉइंट टू सेवन फोर क्या बता रहा है वो बेश? चलो, अब इसको डिवाइड कर लो बेटा अब इसको 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 डिवाइड 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 कर कर लो लो तो जब करोगे ठीक है तो यहां तो ये वन बार बचेगा और इसको डिवाइड करो कितना आएगा डिवीजन करो ना इसका कितना आएगा जीरो पॉइंट एट टू फोर सेवन बहुत बड़ा कैलकुलेशन इतने बड़े कैलकुलेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा बट फिर भी मैंने करवा कर दिया अच्छे से चलो ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट को हटा दो अभी पॉइंट को बाद में देखेंगे थ्री टू जा सिक्स यहां पे आएगा टू टू इसको कैरी को टू को नीचे ले लिया तो आगे क्या बढ़ेगा थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन या आएगा वन और थ्री सिक्स जा ट्वेल्व ठीक है यहां नहीं नहीं अभी फोर्टीन है ना तो थ्री फोर जाएगा ठीक है टू और ये आएगा सेवन अगेन नीचे तो थ्री नाइन जी सेवन जीरो जीरो कितना आएगा यहां पे पॉइंट चलो तो पॉइंट टू सेवन फोर नाइन समझा अच्छे से इतना ही आया ना चलो अब इसको क्या करोगे इसी में मल्टीप्लाई मार दो वन बार टू सेवन फोर नाइन इन टू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी थ्री को साथ में लेकर रखो भाई अपना साथी है हाथी मेरा साथी चलो अब क्या करो ट्वेंटी सेवन का फोर का नाइन देख लो लॉग आ गया अरे भाई आंसर फाइनली हमने कर दिखाया ट्वेंटी सेवन का फोर का नाइन ट्वेंटी सेवन का फोर का नाइन ट्वेंटी सेवन फोर का नाइन नाइन एकदम लास्ट में ये रहा नाइन चार आएगा तो ये और ये ऐड करो कितना होता है अरे भाई कहाँ पहुंच गया ये ऐड करो कितना होता है वन एट सेवन नाइन प्लस फोर नौ चार तेरह सात एक आठ और ये आठ वन वन एट एट थ्री कितना आया वन एट एट थ्री इंटू टेन टू माइनस वन इंटू टेन टू माइनस ट्वेंटी थ्री ठीक है अब यहाँ पे पॉइंट दे दो तो वन पॉइंट एट एट थ्री इंटू नीचे का बेस सेम पावर एड माइनस ट्वेंटी फोर दिस इज योर फाइनल आंसर परफेक्ट किसी बच्चे को कोई भी डाउट बोल बेटा अरे बोल बजरंग बली की जय अरे बोल बजरंग बली की जय चलो बोल समझा क्या अच्छे से किसी को कोई डाउट है क्या बोलो आज पूरा फोड़ के दिखा दिया हमने कैलकुलेशन की वाट लगा दी हमने हमने मचा दिया ठीक है बोलो किसी को कोई डाउट है कोई भी अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गलतियां हुई होंगी तो आप सब बच्चे एक बार देख लेना ठीक है बाकी मेथड परफेक्ट है मेथड में कोई गलती नहीं है चलो क्लियर है सब बच्चों को किसी को कोई डाउट है क्या बोलो जल्दी बोलो फटाफट चलो किसी को कोई डाउट है इसमें नो no डाउट आप सबने भी मेरे साथ साथ किया क्या अगर कोई सब्सट्रैक्शन रॉन्ग हुआ होगा रौ, कुछ रॉन्ग तो हुआ नहीं वैसे बट देख लो एक बार कुछ गलत या सही हुआ रहेगा तो एक बार चेक कर लेना बाकी मेथड परफेक्ट है कुछ ऐसा गलत हुआ नहीं है वैसे किधर पे कोई माइनस प्लस में गलती हुई है क्या? प्लस माइनस में गलती सबकी हो सकती है भाई पियूष सिंह कहते सब्सट्रैक्शन में गलती है कहां पे सब्सट्रैक्शन में गलती है पहले तो एडिशन है फिर सब्सट्रैक्शन है कहा नोट किया ना तुमने बहुत बढ़िया कहां पे गलती है कहां पे यहां पे, यहां पे गलती है क्या तो यहां पर तुम लोग भी कर लो ना यार प्लस माइनस की तो गलती है मुझे लगता कि कोई गलती है एक बार तुम लोग भी करो खुद से सॉल्व और अगर प्रॉब्लम हुई रहेगी तो फिर बता देना तुम लोग या तो तुम लोग खुद से कर लेना मैंने तो एक, एक चीज बराबर की है यहाँ पे गलती है क्या यहाँ पे गलती नहीं हो सकती है माइनस भी किया तो फोर्टीन में से सेवन गया सेवन अरे मैं अलग तरीके से माइनस करता हूँ मेन आंसर देखो ना मेन आंसर करेक्ट है मेरा मैथड यहाँ पे छोड़ दो मेन आंसर परफेक्ट है तुम इसको करो ना यार ये परफेक्ट आएगा ऐसा कैसे हो सकता है तो फोर्टीन में से सेवन गया तो सेवन आ गया और उसके बाद यहाँ पे थर्टीन में से यहाँ से नाइन जाएगा तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे थर्टीन बचेगा और ये टेन है फोर्टीन में से सेवन गया तो सेवन एक दया टेन थर्टीन में से टेन गया थ्री ओके okay, है गलती है परफेक्ट है उसने सही कहा यहां गलती है देखो यहां पे गलती किधर है जानते हो गलती है चलो कोई ना मैं फिर से कर देता हूं देखो 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 फोर्टीन में से सेवन गया तो ये सेवन और यहाँ पे टेन दिया थर्टीन में से टेन गया तो यहाँ पे थ्री एक दिया इसको एट ये यह यहां पे आएगा एग्जैक्टली टू ठीक है इसको दिया एट सिक्सटी दिया एट ठीक है आप परफेक्ट है और इसको दिया थ्री बार चलो बाकी देख लो अभी आप सब लोग लॉग देख लो इसका लॉग देख लो हो गया चलो एट टू थ्री सेवन है मतलब कि जो इसकी वैल्यू आई थी यहां फोर नहीं है ये थ्री सेवन है यहां पे थ्री लिख दो सब सेम है बाबा कुछ नहीं है ज्यादा गलती मैंने थ्री का फोर लिख दिया इतना हो जाता है थ्री है यहां पे ठीक है इसको डिवाइड करो इसको डिवाइड करो जो वैल्यू आएगी उसका लॉग देख लेना और मेन आंसर निकाल लेना ठीक है कर लोगे ना अभी अभी तो कर लोगे ना अरे बाबा अभी तो कर लोगे ना सॉल्व? समझा ना मैं क्या कह रहा हूं ठीक है बस यहां पे फोर था यहां पे मैंने फोर लिख दिया था तो अभी देखो मैंने थ्री करेक्ट कर दिया और तुम लोग इसका डिवाइड कर लो और लॉग निकाल लो बस कुछ इतना चलता है प्लस माइनस सबका गलती थोड़ी बहुत हो जाती है जब से लगा हुआ ढाई घंटे से दिमाग पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है भाई थोड़ा समझा करो लेकिन मेन चीज पूरी परफेक्ट है बस इस थ्री को फोर कर दो ये थ्री पहले ये ये फोर था ना इस फोर को मैंने थ्री कर दिया है अब तुम बस इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग आएगी ठीक है जो भी आएगी यहाँ लिख देना फिर उसका मस्त अच्छे से लॉक देख लो और एंसर तुम्हारे हाथ में चलो ठीक है किसी बच्चे को कोई डाउट बोलो जल्दी से भाई हमने फिजिक्स के चैप्टर वन में ही क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था ह्यूमन एरर के बारे में इंसानों में एरर होता है और इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और मैं तो मेरी गलती एक्सेप्ट कर लेता हूं इंसानों में भी एरर होता है मेरी जान ह्यूमन एरर होता है समझा अच्छे से तो थोड़ा बहुत हो जाता है चलो ठीक है क्लियर है आज पूरा भाई मचा दिया एकदम तो चलो भाई किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो तुम सब मुझे बता दो जल्दी से मैंने अब तक खाना भी ना कुछ नहीं खाया है अब मैं जाऊंगा खाना खाऊंगा सब बच्चों को समझ गया मैंने फ्लो चार्ट पे काम करना शुरू कर दिया देख बेटा तेरे को इधर ही में दिखाता हूँ फ्लो चार्ट देख ले ये देख फ्लो चार्ट देख ले बाद में मत बोलना कि फ्लो चार्ट नहीं बनाया देख माइंड मैप फॉर डेरिवेटिव देख लो सब बच्चों फ्लो चार्ट बना दिया अरे बस तुम लोग को देना बाकी है तो थोड़ा सा मैं छोटा हो जाता हूं फिर दिखाता हूं तब तुमको देखने में मजा आएगा ये देखने की चीज है ठीक है देखो यहाँ पे ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है थोड़ा इसे फॉलो विलो मार लिया करो जाके ठीक है ये देखो पूरा फ्लो चार्ट तुम लोग बिलीव नहीं करोगे देखो इसको जूम करता हूं देखो हाँ अभी ये देखो ऐसा ये देखो ऐसा इधर से ये देखो ऐसा हेलोजे डेरिवेटिव एक एक चीज जब पढ़ाऊंगा ना ऐसा तुम बोलोगे वाओ क्या है जन्नत है एकदम ठीक है कुंडी ला लो सैया आजा तेरे को जन्नत दिखाती मैं देखो कैसा एकदम लिखा पूरा एक एक चीज ऐसा लिख के दिया है इतना धमाकेदार बनाया है ना ये कल कल परसों तक तुमको प्रोवाइड करूंगा अभी नहीं दूंगा दिखा देता हूँ अभी देखो आगे लिखना वाकई देखो ब्लैंक पेज है आगे है ना ब्लैंक पेज है अभी आगे लिखना वाकई देखो ये रिएक्शन वैक्शन देखो कैसा जूम करोगे ना अभी तब तो मस्त दिखता है एकदम सब लिख के रखा है भाई देखो यहाँ पे सब लिख के रखा है ये देखो एक एक चीज पूरा फ्लो चार्ट पूरा माइंड मैप बना के देखो मार्कॉनिकॉप रूल है ना सब ऐसा प्रॉपर लिख के दिया है बहुत सुंदर बनाया मैंने बहुत एफर्ट डाला इस पर चलो ये बाद में मिलेगा तुमको अभी नहीं मिलेगा चलो ठीक है समझा अच्छे से सबको किसी बच्चे को कोई डाउट बोल बजरंगली की जाए किसी को कोई डाउट है क्या थक गया यार सब लोग इस वीडियो को इंस्टाग्राम में टैग करो स्टोरी रखो सब लोग थंबनेल की ये वाली स्टोरी रखो सब लोग ये वाली देखो यहाँ इंस्टाग्राम आईडी तो पता ही रहेगा सबको ये देखो ये डालो सब लोग सब लोग शेयर मारो एकदम सबको फैला दो क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ना किसी को कोई डाउट रहेगा ही नहीं ये वीडियो देखने के बाद किसी को कोई डाउट रहेगा ही नहीं <laughs> क्यों भाई इतना रात को तुम चादर के नीचे वीडियो देख सकते हो तो प्रशांत भाई पढ़ा नहीं सकता है क्या ठीक <laughs> है नहीं नहीं मैं जानता हूँ तुम लोग जो काम करते हो हा? मम्मी पापा को कुछ आइडिया रहता नहीं है मम्मी पापा को बोलते हो मम्मी ठंडी लग रही है गर्मी के मौसम में ठंडी कैसे लग रही है और मोबाइल लेके अंदर कुछ भी करते हो बिना ईयरफोन के तो सोते नहीं रहोगे मैं सब समझता हूँ बेटा तुम हमको मत समझाओ बहुत ही चालू हैं हम और तुम उससे भी अधिक चालू हो अगर अंकल आंटी कोई वीडियो देख रहा है तो अपने बेटे को देख लो यही करते हैं ये लोग मोबाइल लेके चादर के अंदर अगर ईयरफोन के साथ सोया है तो समझ जाना कुछ घपला चालू है अचानक से चादर उठा के देखो सब लोग पता चल जाएगा असलियत <laughs> क्या कर रहा है अंदर पढ़ाई कर रहा है ईयरफोन लेके पढ़ाई थोड़ी करता है दो ही काम चालू होगा <laughs> एक तो बाबू सोना वीडियो कॉलिंग और अगर नहीं चालू रहा तो कुछ और चालू होगा वीडियो तो चालू ही रहेगा वो कॉलिंग चालू है कि क्या चालू है वो तो भगवान जाने चलो ठीक है एक बार प्रैक्टिस मार लो और एक बार इस वीडियो को और देख लेना तुम सबको समझ जाएगा और मेहनत करो यार अगर हम तुम्हारे लिए मेहनत कर सकते हैं न्यू इंडियन एरा तुम्हारे लिए मेहनत कर सकता है तो तुम भी क्या करो बढ़िया तुम मस्त अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और आगे बढ़ो और मैंने आज देखो अपना चश्मा नहीं लगाया था यार अब मैं लगा लेता हूँ एट द एंड तो लगा ही लेना चाहिए पूरे वीडियो में चश्मा नहीं लगाया आप लगा लेता ठीक है चलो अब चलते हैं ठीक है सेशन को बंद करते और अब निकलने का टाइम आ गया है। तो चलो फटाफट चलो सब लोग सेशन को लाइक कर दो बाय बाय टेक केयर और इंस्टाग्राम में सब लोग टैग कर दो ठीक है चलो बाय बाय एक बार प्रैक्टिस करो इसका कल भी इसका एक बार वीडियो देखो सब लोग पूरा वीडियो एक बार देखो इसका कल हाँ तभी अच्छे से और डिटेल में समझ जाएगा बाय बाय एम सिटी में भी बहुत फ़ायदा देगा ये